हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्लेंडर बिगिनर टू एडवांस क्लास। यहां आप सीखेंगे कि ब्लेंडर में रहते हुए किसी भी चीज की आप मॉडलिंग कर सकते हैं और कैसे आप किसी भी चीज को ब्लेंडर में बना सकते हैं, यानी कि गेम से लेकर कोई भी गेम का करेक्टर हो या कोई भी बिल्डिंग हो उसको आप बना सकते हैं और किसी भी करेक्टर को एनिमेट कर सकते हैं। और उससे बढ़कर ये कि किसी भी प्रोडक्ट की एनिमेशन कर सकते हैं, यानी कि जैसे टीवी पे कमर्शियल वगैरह आते हैं वो ब्लेंडर में कैसे बनते हैं, वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। और मुझे चाहिए होगा आपका थोड़ा सा टाइम ताकि मैं ब्लेंडर को आसानी से आपको सिखा सकूं। ये क्लासेस ब्लेंडर की बिगिनर टू एडवांस क्लासेस होंगी, यानी के जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी आसानी से ब्लेंडर को चलाना सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तमाम ही लोगों को मैं वेलकम करता हूँ 3D ब्लेंडर की बिगिनर टू एडवांस क्लास के अंदर। और ये ब्लेंडर का फ्री कोर्स है, ठीक है, और कंप्लीट बिगिनिंग मतलब जितने भी बिगिनर हैं उन सब के लिए है और बिगिनर टू एडवांस लेवल तक है, ठीक है। ये तकरीबन 14 से 15 घंटे का कोर्स है। इसके अंदर तमाम चीज़ें कवर की जाएंगी, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये ब्लेंडर फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको इंस्टॉल करने का कोई भी खर्चा नहीं है, ये फ्री में इंस्टॉल होता है। इसकी वेबसाइट है blender.org, वहाँ से आप जाएंगे, सिंपली डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद जब उसके आइकन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने विंडो आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं मेरे पास वक्त लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 4.02, ठीक है, और ये ब्लेंडर है। और मज़े की बात मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त ये लेटेस्ट वर्जन है और हो सकता है कि आगे जाके जब आप ये वीडियोस देख रहे हो तो नया वर्जन आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपने इसको टेंशन नहीं लेनी कोई भी, ठीक है, क्योंकि मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ वो तमाम की तमाम चीज़ें मिलती जुलती होंगी, ठीक है। 19-20 फर्क होगा, बल्कि 19-20 भी नहीं होगा, तमाम चीज़ें अपनी जगह पे रहेंगी, कहीं से कोई चीज़ नहीं जाएगी, सिर्फ कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने ब्लेंडर की क्लास को। अच्छा, सबसे पहली बात, टेंशन नहीं लीजिएगा, जब आप स्क्रीन खोलेंगे आप घबरा जाएंगे, देखेंगे यार इतनी सारी चीज़ें भाई, सबसे पहले आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स हो जाए, ठीक है। जब भी आप आइकन पर डबल क्लिक करेंगे इस तरीके से सामने आपके स्क्रीन आएगी, ठीक है। ये ब्लेंडर लिखा हुआ है, ये इस बंदे का नाम है जिसने ये वॉलपेपर दिया होगा इनको, ब्लेंडर वालों को, ठीक है। अब ये लिखा रहा है कि किस लैंग्वेज में आपने इसको यूज़ करना है, फिलहाल इंग्लिश है तो इंग्लिश में आप यूज़ करेंगे, ठीक है। और लेफ्ट राइट सेलेक्ट विद लेफ्ट राइट, ठीक है, इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, सिर्फ यहाँ से हम आते हैं कि ब्लेंडर की स्क्रीन आपने कौन सी रखनी है, मतलब जो थीम है वो कौन सी है, ब्लेंडर डार्क रखना है, ब्लेंडर लाइट रखना है, लाइट रखेंगे तो इस तरह आ जाएगा, ब्लेंडर डार्क करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। और आप सिंपली करेंगे कंटिन्यू, जब हर भी क्लिक करेंगे तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद ये इस तरह आ जाएगा। उसके बाद आपसे वो पूछता है कि भाई जर्नल कुछ लेना है, 2D एनिमेशन के लिए आप काम कर रहे हो, स्क्रिप्चरिंग, फिलहाल ये बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछ रहा है, आपने जर्नल पे क्लिक करना है या बाहर क्लिक करेंगे तब भी आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब ये सब क्या है, सबसे पहली बात, ठीक है, गौर से सुनिएगा, रिलैक्स होके। सबसे पहले मैं स्क्रीन को थोड़ा सा इसको डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। जो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन आ रही है, इस स्क्रीन को हम 3D एनवायरनमेंट भी कहते हैं, इसको हम व्यू पोर्ट भी कहते हैं, या हम इसको ये कह सकते हैं भाई ये वो जगह है जहाँ पर हम काम करेंगे, ठीक है। जब भी आप ब्लेंडर ऑन करेंगे, जब भी आप ब्लेंडर ऑन करें, जब भी, ये आपके सामने तीन ही ऑप्शन आएंगे, ठीक है। ये कैमरा होता है, ये हमारे सामने क्यूब होता है, और ये होता है हमारी लाइट। अच्छा, लाइट कई किस्म के हैं, क्यूब कई किस्म के हैं, और ये कैमरे भी कई किस्म के हैं, तो फिलहाल अभी टेंशन मत लीजिए, इसको आप समझें 3D एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो आपके बीच में, ठीक है, यहीं पे सारा काम होता है, ठीक है। अब हम आते हैं लेफ्ट साइड पे, ये हमारे टूल्स हैं, ठीक है, इसको आप इस तरह समझें, एक अगर आप सैलून वाले के पास जाते हैं, ठीक है, हेयर कटिंग वाले के पास, तो उसके पास औजार होते हैं ना बाल काटने के, तो इसी किस्म के यहाँ पे कुछ चीज़ें टूल्स हैं, ठीक है। या इसको आप इस तरह समझें कि अगर आप एक घर बनवा रहे हैं, ठीक है ना, तो मिस्त्री के पास औजार तो होंगे ना, मतलब वो मिट्टी लगाएगा तो उसके पास खुरपी होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये वो चीज़ें। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आपका किचन है, किचन में आप शेफ हैं, तो आपके पास औजार तो होंगे, छुरी होगी, ठीक है, स्टेंसिल्स होंगे, नाइफ होगी, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी आपके पास, कटर होगा, तो ये उस तरह के टूल्स हैं जो आपके यहाँ पे यूज़ होंगे, ठीक है। ये हमारा टॉप मेन्यू है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, कट कॉपी पेस्ट फाइल से इंपोर्ट कराते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसकी सेटिंग है, ठीक है। तो इसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, हम आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। ये हमारा वर्क स्पेस है, मतलब अभी हम काम कर रहे हैं लेआउट मोड पे, ठीक है। अगर हमें मॉडलिंग करनी है तो हम इस पाएंगे, ठीक है, स्क्रिप्टिंग करनी इस पाएंगे, यूवी एडिटिंग करनी इस पाएंगे, टेक्सचर पॉइंट, मतलब ये एनिमेशन अगर हमें करनी है तो हमें इस मोड पे आने से बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है, हम इजीली एनिमेशन कर सकते हैं। रेंडरिंग करनी है तो हमें इस पे आना पड़ेगा, मतलब हर चीज़ का
कोई ना कोई लेआउट यहाँ पे मौजूद है, बट सबसे ज़्यादा अभी जो हम काम करेंगे, हम इस लेआउट पे काम करेंगे, इसको अभी फ़िलहाल भूल जाइए, इसकी टेंशन ना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा यहाँ से सीधा से। ये पैनल क्या है? ये पैनल ये है कि जो भी चीज़ इस वक्त आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आपके सामने तीन चीज़ें मौजूद हैं, पहली दूसरी तीसरी, तो इनके नाम भी आ रहे हैं यहाँ पर कि कैमरा है, ये क्यूब है और ये लाइट है, ठीक है। अब ये क्या है? ये एक तरीके से लेयर पैनल है। इसको अगर फोटोशॉप आपने पढ़ा हो, मेरी क्लास ले लीजिएगा फोटोशॉप की, आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी मेरे चैनल के अंदर। तो ये एक तरीके से जब भी आप इस एनवायरनमेंट के अंदर कोई चीज़ ऐड करते हैं तो यहाँ पे वो शो हो जाती है कि भाई ये आपने ये चीज़, अगर फर्ज करें इसके अंदर मैं जहाज़ ला के रखता हूँ तो वो यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखा रहा होगा, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है यहाँ पर? अगर मैं इसकी आई क्लोज करता हूँ क्यूब की, तो ये गायब हो जाएगा, बट होगा पर कुछ देर के लिए हाइड हो जाएगा, ठीक है। दोबारा क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा। इस तरीके से आप इनको हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आउटलाइनर होता है, इसको लेयर पैनल भी कह सकते हैं। अब ये है हमारी प्रॉपर्टीज बार, ये पैनल हमारा प्रॉपर्टीज बार का मतलब आपने यार ये स्क्वायर क्यूब बना लिया, अब इसका साइज छोटा बड़ा करना है, कैसे करें, कहाँ से होगा? तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज बार है, ठीक है। ये इसकी लोकेशन, रोटेशन, स्केल वगैरह सब यहाँ पे दे रहा होता है कि यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा, ठीक है, इसको मूव करा सकते हैं, ईजिली रोटेट करा सकते हैं, ये सब इसको आप इजीली यहाँ से करा सकते हैं, ठीक है। वैसे करा तो आप यहाँ टूल्स के जरिए भी सकते हैं, पर हम इसमें बाद में आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी बार है कि कोई भी चीज़ होगी तो उसके बारे में उसकी खसूसियात बताएगा कि भाई आप इसको छोटा बड़ा या इसको मूव कर सकते हैं या इसको चेंज कर सकते हैं, तमाम का तमाम इस प्रॉपर्टी बार के अंदर होता है। ये जो है हमारे पास एनिमेशन होती है, ठीक है, ये जो एरिया हमारा एनिमेशन का एरिया है जो बेसिकली टाइमलाइन कहलाता है, इसके अंदर हम अपनी एनिमेशन रिकॉर्ड करते हैं, देन उसको फिर हम यूज़ करते हैं यहाँ एनवायरनमेंट पे, ठीक है। बस इतना सही, इससे ज़्यादा जहन पे जोर मत डालें। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है इन चीज़ों का कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा जी, थोड़ा इस पर काम करते हैं। काम ऐसे होता है कि इस पर आपके पास सबसे पहले तो तीन बटन वाला माउस होना चाहिए, मतलब एक लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, और इसमें जो बीच में व्हील होता है ना, वो इस पर काम के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर काम बीच का जो व्हील का बटन होता है उसी से होते हैं, ठीक है। अब उससे होता है क्या, फर्ज करें आपके पास माउस है, ठीक है, इस पर काम स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो अगर आपके पास माउस और अगर आप व्हील को, माउस के जो बटन है व्हील का, अगर उसको आप आगे करेंगे तो ये आगे आएगा, जूम इन होगा, और बैक साइड करेंगे व्हील को जो उसका थर्ड बटन होता है माउस के, तो वो जूम आउट होगा, जूम इन आगे से होगा, और जूम आउट करेंगे तो वो बैक पीछे करेंगे तो जूम आउट होगा, आगे करेंगे तो जूम इन होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर व्हील के बटन को दबा के रखें और अगर आप लेफ्ट करें तो ये लेफ्ट मूव होगा, और अगर आप राइट मूव करेंगे तो ये राइट मूव होगा, ऊपर करेंगे तो ऊपर होगा, डाउन करेंगे तो ये डाउन होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप शिफ्ट दबा के रखते हैं और अगर आपको इसको थोड़ा सा कहीं मूव कराना हो पूरे स्टेज को, ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे जो है इसकी बात कर रहा हूँ, स्टेज को जो इन्वायरमेंट है, तो आप शिफ्ट दबा के रखेंगे और व्हील का जो बटन है उसको दबा के आप उसको कहीं भी स्टेज को या इन्वायरमेंट को ईजिली मूव करा सकते हैं। पर पहले आपने शिफ्ट दबाना है, फिर बीच का बटन यानी कि व्हील का बटन दबाना है, तो इस तरीके से मूव होता है। इसके अलावा इसका एक शॉर्टकट तरीका और है, फर्ज करें आपके पास तीन बटन वाला माउस नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं, ये देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये इससे जूम इन और जूम आउट होता है, इस पर लेफ्ट क्लिक दबा के रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हैंड होता है, इस पर लेफ्ट क्लिक दबा के रखना, आप इसको मूव करा सकते हैं इजिली, ठीक है। तो ये तरीके का भी है, इसको आप चाहे, अगर आपके पास तीन बटन वाला माउस है तो बहुत ज़्यादा आसान है, मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि आपके पास तीन बटन वाला माउस ज़रूरी हो। अच्छा जी, अब बारी है हमारी व्यूज़ की कि हम जो ऑब्जेक्ट है हमारा जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है तो इसको हम कहाँ कहाँ से देख सकते हैं, मतलब टॉप व्यू से, बॉटम से, अगर हमें देखना हो लेफ्ट राइट से देखना हो तो देखें। पहले तो मैं माउस की व्हील से इसको जूम करता हूँ, और अगर लेफ्ट बीच वाला बटन दबा के रखूँ माउस को तो राइट व्यू, लेफ्ट व्यू, टॉप से, बॉटम से देख सकता हूँ, बट एक इसका और ऑप्शन होता है जो बिल्कुल टॉप से दिखाता है। अभी आपको कन्फर्म नहीं पता चल रहा होगा कि आप प्रॉपर टॉप से देख रहे हैं नहीं देख रहे, अगर मैं नीचे से देखूँ आपको कन्फर्म नहीं पता कि बिल्कुल ही नीचे से देख रहे हैं नहीं देख रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सेस होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि वाई दिख रहा होगा ग्रीन कलर, तो ये जो वाइट सॉरी ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है ये हमारा वाई एक्सिस है, ये जो रेड है एक्स, ये हमारी जो लाइन जा रही है एक्स एक्सिस है, और ये ब्लू, अभी यहाँ पे आपको ब्लू दिख नहीं रहा होगा बट ब्लू की एक लाइन होती है, ठीक है, तो वो हमारा जेड एक्सिस होता है। मतलब अगर हमें एक्सिस में देखना हो तो अगर हम वन दबाते हैं तो ये देखिए हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और आपको दिखाता हूँ ताकि और क्लियर आपको दिखे। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लिक करके डिलीट का बटन दबाता हूँ, डिलीट हो गया। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट खोल लेता हूँ, ऑब्जेक्ट खोलने के लिए शिफ्ट ए करूँगा, शिफ्ट ए दबा के यहाँ पर मैश का ऑप्शन आएगा और मंकी आ जाएगा, ठीक है, ये मंकी आ गया हमारा, ठीक है।
तो अभी फिलहाल इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, मैं करके आ रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, तो उस पर फोकस रखिएगा। जो जो मैंने करा उसको भला से भूल जाएगा, जो जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस रखिएगा, ठीक है? ठीक है, अब ये मन किया हमारा, ठीक है। अब मैं वन दबाता हूँ तो ये आपको फ्रंट से दिखेगा, यहाँ पे भी लिखा आ रहा है कि हमारा फ्रंट व्यू है, ठीक है। अभी हम टू दबाते हैं तो ये हमारा यूज़र ऑर्थोग्राफिक व्यू है, ठीक है। ये थ्री दबाते हैं तो हमारा राइट साइड दिखा रहा है, ये हमारा फोर दिखा रहा है यूज़र ऑर्थोग्राफिक, फाइव ये भी यूज़र, सिक्स ये भी प्रोस्पेक्टिव, सेवन हमारा टॉप व्यू है, एट हमारा यूज़र ऑर्थोग्राफिक व्यू है, और नाइन हमारा यूज़र ऑर्थोग्राफिक व्यू। मतलब यूज़र के, मतलब यूज़र के नज़रिए से कैसा लगेगा, ठीक है। सेवन तो बिल्कुल टॉप पे, ठीक है, वन फ्रंट पे, टू यूज़र ऑर्थोग्राफिक, थ्री राइट यूज़र यूज़र प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, खुद से भी बीच वाला बटन दबाएंगे तो ये मूव होगा। अब ये यूज़र ऑर्थोग्राफिक क्या है, फिलहाल आप ज़्यादातर वन सेवन, ठीक है, और थ्री यूज़ कीजिएगा, ये और यूज़र ऑर्थोग्राफिक है। इसको मैं आगे आके और क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल हम इसको मूव करा लेते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। चाहें तो आप इसको यहाँ से भी मूव करा सकते हैं, ठीक है। ये राइट, ये फ्रंट, ये लेफ्ट, ठीक है, ये राइट, ये टॉप, ये फ्रंट और ये बॉटम, ठीक है। यहाँ से भी इस तरह आप इसको करा सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट पे जाना है तो ये देखें, यहाँ से क्लिक करेंगे वाई पे, ये लेफ्ट आ गया, इस पे क्लिक करेंगे तो ये राइट ऑर्थोग्राफिक आ गया, एक्स पे क्लिक करें ये लेफ्ट आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारे देखने का तरीक़ेकार है किसी भी ऑब्जेक्ट को या मॉडल को, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसको मॉडल भी कहते हैं अपना। अच्छा जी, कुछ और बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बट उसको अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो जैसी बाय डिफॉल्ट है उसको ऐसे रहने दीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा था आपको यहाँ पे जेड एक्सिस की लाइन नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये डिसेबल हुई जेड एक्सिस, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी। बाकी अगर आप चाहें तो एक्स वाई जी एक्सिस को भी यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट उसको ऐसे रहने दीजिएगा। अब जैसे कि यहाँ पे ग्रिड है, फ्लोर है और सब डिविजन स्केल वगैरह, इन चीज़ों को मैं आगे आके बताऊंगा, बट अभी इनको ऐसे ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है। अब जस्ट लाइक टैक्स इन्फो, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे जो टैक्स इन्फो था वो गायब हो गया, ठीक है, हमें पता नहीं चल रहा कि इस वक्त हम कौन सा प्रोस्पेक्टिव पकड़ रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से एक्स्ट्रास है, ठीक है, ये जैसे कि एक्स्ट्रा लाइट होंगी वो चली जाएंगी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमने सेलेक्ट कराया वो रहेगा, ठीक है। इसी तरह बोन्स, अभी तो बोन्स यहाँ पे है नहीं, मोशन पाथ भी नहीं है, ठीक है। ऑरिजिन्स क्या होता है, ये गौर से देखिए, ये पॉइंट दिख रहा है, अभी ऑरिजिन कहलाता है। अभी ऑरिजिन क्या होता है, ये सब बातें ऐसा ऐसा आगे आके आपको पता चलेंगी, अभी सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फिलहाल बाकी चीज़ों को आप, इनको चीज़ों को मत छेड़िएगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको बता दी है कि ये चीज़ें भी यहाँ से डिसेबल और इनेबल हो सकती हैं। अच्छा जब एक काम करते हैं, इन सबको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, या फिर एक काम करते हैं फाइल पर आते हैं न्यू और जनरल करके एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, इन तीनों की मैं आई को क्लोज कर देता हूँ। चाहे तो सिंगल बाय सिंगल कर सकते हैं या फिर एक साथ भी करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आई यहाँ से क्लोज होगी और सबके सब यहाँ से गायब हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा फिलहाल मैं काम करता हूँ कि मैं क्यूब की आई खोल देता हूँ, ठीक है, बाकियों को बंद रखता हूँ, क्यूब की आई खोल देता हूँ। अच्छा अगर मैं किसी और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आना चाहूँ तो हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। या तो हम शिफ्ट ए दबाएंगे और मैश में आके कोई भी ऑब्जेक्ट या मॉडल को यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक मंकी पे क्लिक करूँगा, ये मंकी आ गया, ठीक है, और मेरा मंकी, इसको मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ यहाँ से, इसके ज़रिए मूव कर सकते हैं आप, ठीक है, इसको इधर मूव कर दिया मैंने। या शिफ्ट ए कर लें, ठीक है, या फिर ऐड में आके मैश, और यहाँ से मैंने स्फीयर ले लिया, ये आ गया। अच्छा आप अगर गौर से देखें तो ये ऑटोमेटिक 20 सेंटर में आते हैं, वो क्यों, क्या वजह है कि सेंटर में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा कर्सर, ये जो कर्सर दिख रहे हैं ना आप, कर्सर सेट द कर्सर लोकेशन डायरेक्ट टू ट्रांसफॉर्म, इसका मतलब ये है कि अगर इस कर्सर, ये जो सर्कल है, ये चीज़, ये जो निशान यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये यहाँ पे होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हो गया तो अब कोई भी चीज़ बनेगी वो यहाँ पे आएगी। किस तरीके से, ऐड मैश, मैंने ले लिया मंकी, तो देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, शिफ्ट दबा के रखना है आपने, ठीक है, और राइट क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट क्लिक करेंगे शिफ्ट दबा के तो यहाँ आ जाएगा। चाहे तो आप इस पर क्लिक करके, ठीक है, इसको मूव भी करा सकते हैं, ऐड मैश स्फीयर, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये दोबारा सेंटर में आ जाए तो आप इसको क्या करेंगे, शिफ्ट सी करेंगे, ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। इसके अलावा आप चाह रहे हैं कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने सेलेक्ट करा और ये
कर्सर जो इसके अटैच हो जाए, तो शिफ्ट एस दबाएंगे आप, ठीक है, शिफ्ट एस दबा के रखेंगे, ठीक है। और ये लिखा है, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, सिलेक्शन टू कर्सर, सिलेक्शन टू एक्टिव, सिलेक्शन टू ग्रिप्स, कर्सर टू एक्टिव, कर्सर टू सिलेक्टेड, ठीक है। तो आपने सिलेक्शन टू एक्टिव पे क्लिक करा, ठीक है, ओके, सिलेक्शन टू एक्टिव पे, सॉरी दोबारा मैं आपको करके दिखा देता हूँ, शिफ्ट एस, सिलेक्ट कर्सर टू एक्टिव पे क्लिक करा तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको दोबारा सेंटर में लाना हो, शिफ्ट एस दबाएंगे, कर्सर टू सिलेक्टेड, तो यहाँ पे आ गया, इस पर क्लिक करा, शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, ठीक है, इस पर क्लिक करा, शिफ्ट एस दबाया, कर्सर टू सिलेक्टेड, इसको सेंटर में लाना हो, शिफ्ट एस, कर्सर टू वर्ल्ड ऑरिजिन, तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि फर्ज करें मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्लिक करके डिलीट करा, मैं चाह रहा हूँ ऑटोमेटिक इस सेंटर के पॉइंट कर्सर के पॉइंट में आ जाए, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, शिफ्ट एस करूँगा और सिलेक्शन टू कर्सर करूँगा, ऑटोमेटिक इस कर्सर के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा, तो फिलहाल मैं इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं कलेक्शन के पैनल की। ये हमारा असल में पैनल होता है, इसका कलेक्शन नाम भी होता है क्योंकि इसके अंदर तमाम चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। तो फाइल पा के हम इसको ज़रा न्यू कर लेते हैं और जनरल कर लेते हैं, डोंट सेव, नई फाइल आ गई। अब देखिए हम हमारे पास एक कलेक्शन है, एक बॉक्स है, और उस बॉक्स के अंदर तीन चीज़ें मौजूद हैं, एक है कैमरा, एक है क्यूब, एक है लाइट, ठीक है। और उसके आगे उसके आइकन भी दिए हुए हैं, यानी कि एक कैमरे का आइकन दिया हुआ है, ठीक है, ये मैश का आइकन है क्योंकि ये हमारा जो मॉडल है, ठीक है, और ये लाइट का आइकन है और उसका नाम है कलेक्शन, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, ओके, इसको डिलीट करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं क्यूब, ठीक है, इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं, या एक काम करते हैं ऐड पा के मैश क्यूब, इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं, ऐड मैश क्यूब, इसको और आगे ले जाते हैं, ये हो गए तीन, ठीक है। इसके बॉक्स का नाम हम दे देते हैं क्यूब, इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पे हम इसका नाम भी दे सकते हैं, इंटर मारिएगा, ठीक है। और अब हम एक और ऐड करते हैं, चाहे तो ऐड कर लें, चाहे शिफ्ट ए करके हम यहाँ से स्फीयर ले लेते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, फिर शिफ्ट ए करते हैं और दो स्फीयर ले लेते हैं ताकि जगह कम ना पड़े, या एक काम करते हैं थोड़ा उसको पीछे कर लेते हैं, फिर शिफ्ट ए करते हैं मैश यूवी स्फीयर और इसको यहाँ कर लिया, ये हो गया तीन। अब ये तीनों क्यूब के बॉक्स में आ रहे हैं, अब हम एक राइट क्लिक करेंगे, न्यू कलेक्शन करेंगे, हमें एक फोल्डर और बनाना है, ठीक है, इसको फोल्डर समझें, न्यू कलेक्शन, ठीक है, इस पर डबल क्लिक करें, इसका नाम दे दें यूवी, नाम दे देते हैं इसको फिलहाल। अब इस पर क्लिक करा कंट्रोल दबा के, इस पर क्लिक करा कंट्रोल दबा के, इस पर क्लिक करें, तीनों सेलेक्ट हो गए, इनको उठाया और यूवी के अंदर ला के ऊपर छोड़ दिया। अभी तीनों जो हैं स्फीयर इस यूवी के अंदर आ गए, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं एक, अगर हम सिंगल आंख बंद करते हैं ना एक वक्त में एक गायब हो रहा था, बट अगर हम इसकी बॉक्स की आई क्लोज करेंगे तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा इस तरीके से एक साथ। तो इसका फ़ायदा कहाँ होता है कि अगर आप मॉडलिंग कर रहे हैं, करेक्टर मॉडलिंग, तो आई वगैरह क्लोज करनी हो, पूरी बंद करनी हो, नोस या बालों को गायब करना हो, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसके ऊपर आप डायरेक्ट बॉक्स को गायब करें ये बंद हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ ऑप्शन और भी हैं कि अगर आप यहाँ फिल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर आप ये एरो ले लेते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है कि देखें सबके आगे एरो आ गए, आप चाह रहे हैं ये रहें बट ये सिलेक्ट ना हो और ना ये मूव हो, तो अगर आप एरो पे से चेक हटा दे क्लिक करके इसको डिसेबल करेंगे तो देखें सिलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, इनका फ़ायदा ये सिलेक्ट हो जाएंगे, ये पूरा सिलेक्ट कर लें, देखें तीनों सेलेक्ट हो गए, सिलेक्ट नहीं हुए। अगर आप इनके बीच वाले को भी एरो हटा दें तो देखें सब सेलेक्ट हो गए, सिर्फ ये बीच वाला सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब जिन जिन पे ये एरो डिसेबल हो जाएगा वो मूव नहीं होंगे, वो डिसेबल रहेंगे और वो अपनी जगह पे स्टक रहेंगे, चाहे तो दोबारा खोल दें, ये दोबारा आप मूव हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मूव कैसे हो रही है तमाम टूल्स में आपको अभी बताऊंगा, अभी मैं आपको वो तमाम बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि जो आपके लिए आगे जाके आसानी पैदा करें, उसके बाद हम चीज़ों पर बनाने पाएंगे कि किस तरह एक क्यूब बनता है, किस तरह चेयर बनती है, किस तरह हाउस बनता है, किस तरह प्लेन बनता है, ये तमाम चीज़ें बहुत आगे की हैं। अगर आप बेसिक नहीं सीखेंगे तो आप ये घर वगैरह, फिर एनिमेशन और बहुत सारे गेम के करेक्टर वगैरह नहीं बना सकेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ बेसिक बेसिक पर ध्यान दीजिए। अच्छा जी, अब मैं आपको कुछ सिलेक्शन टूल के बारे में बताऊँगा, ठीक है, सिलेक्शन बॉक्स है, तो अब ये कुछ टूल्स के बारे में आपको बताता चलूँ। तो सबसे पहले फाइल पे आके मैं न्यू करके जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल नया पेज ले लेता हूँ मैं,
अच्छा एक काम करता हूँ, मैं एक फ़ाइल और खोल लेता हूँ। अब वो फ़ाइल मैंने खोली कैसे वो मैं खैर बाद में बताऊँगा, पर एक फ़ाइल में लेके आ रहा हूँ कि किस तरह मैं एक स्पाइडरमैन का करेक्टर इसके अंदर इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है ना। अभी आप बेसिक बेसिक सीखें तो घबराएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक स्पाइडरमैन को इम्पोर्ट करा लिया है, ठीक है। खैर मैं बाद में बताऊँगा हुआ कैसे, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है एक सिलेक्शन टूल, इस पर मैं जब क्लिक लेफ्ट क्लिक दबा के रखता हूँ तो यहाँ पे लिखा है ट्विक सेलेक्ट बॉक्स सेलेक्ट सर्कल और सेलेक्ट लेसो। तो सबसे पहला ऑप्शन है ट्विक, वो क्या करता है कि सिंपल वन बाय वन क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अगर आप इस तरह सिलेक्शन बना के सिलेक्ट करना चाहते हैं ना, ड्रैग करके कभी नहीं करेगा, सिंपल वन बाय वन सेलेक्ट करेगा। और इस पर लेफ्ट क्लिक दोबारा दबा के रखें, यहाँ से सेलेक्ट बॉक्स लें। मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर यही सेलेक्ट होता है। इसके ज़रिए आप जितनी भी चाहें ऑब्जेक्ट को एक साथ इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक दो चीज़ें मैं और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैश के अंदर यूवी स्फीयर, ठीक है। इसको बाहर निकालते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा याद करते हैं। अब देखें एक साथ इन तीनों को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये कैमरा भी सिलेक्ट हो गया, इसको दूर थोड़ा दूर कर दें, ठीक है। एक साथ चीज़ों को ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक होता है सेलेक्ट सर्कल, यार ये इस तरह सर्कल बना हुआ आ जाएगा और आप बस फेरते चले जाएंगे, सेलेक्ट होता चले जाएगा इस तरह, बट ये मुझे कोई ख़ास नहीं लगता, ठीक है। इस तरीके से एक और है सेलेक्ट लेसो, ये आप अपनी मर्जी से फ़र्ज़ करें कि मैं इसको सेलेक्ट कर लिया और उसको सेलेक्ट कर लिया, बाकी दो सेलेक्ट नहीं, ये सेलेक्ट नहीं करना मुझे स्पाइडरमैन, तो ये अपनी मर्जी से आप कहीं सिलेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। इतना एरिया सेलेक्ट करना है, बाकी एरिया सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। फिलहाल मैं ये नहीं लेता, मैं ज़्यादातर सेलेक्ट टूल लेता हूँ। इसी तरीके से आपने इस पर क्लिक करा सेलेक्ट में, यहाँ पर आपने करा ऑल तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेलेक्ट में आपने करा नन तो ये सब गायब हो जाएगा। इसी तरह एक ऑप्शन है इन्वर्ट, इन्वर्ट क्या करता है, आपने स्पाइडरमैन सेलेक्ट कर लिया, आप बोल रहे हैं यार स्पाइडरमैन हट जाए बाकी तमाम सेलेक्ट हो जाए, तो सेलेक्ट में आके इन्वर्ट करेंगे तो बाकी तमाम सेलेक्ट हो जाएंगे, ये हट जाएगा, ठीक है ना जनाब। फिर ये बॉस सेलेक्ट है, सर्कल सेलेक्ट है, लेसो सेलेक्ट है, अगर आप ए बटन भी दबाएंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये है हमारा एक सिलेक्शन का ऑप्शन, जिसकी मदद से आप चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इस टूल के बाद, सेलेक्ट के टूल के बाद हम बताते हैं थोड़ा सा कर्सर के बारे में। और कर्सर का एक दो काम और हैं, यानी कि देखें अभी जो सर्कल यहाँ कर्सर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको स्नैप कर दें और इसको अगर आप कर दें कि भाई वर्टेक्स के साथ अटैच हो जाए, ठीक है, और अब आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये वर्टेक्स के साथ अटैच होगा, खाली देख रहे हैं खुद ब खुद ही जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे आई बनानी है या कोई चीज़ मॉडलिंग कर रहे हैं किसी इंसान की, आँख की या कुछ और कोई चीज़ बनानी है आपने, तो कंट्रोल ए करके अगर कोई मैं यहाँ पे सर्कल लेता हूँ या यूवी स्फीयर लेता हूँ तो ऑटोमेटिक कॉर्नर सही बनेगा, ठीक है। आप शिफ्ट सी करते हैं ये दोबारा सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके अंदर और भी एज है, फेस है, फेस के ऊपर चलेगा, एज किनारे ये होते हैं एज, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, फेस होता है सामने वाला, ठीक है। ये हम अभी और डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मैं सिंपल सिंपल आपको बता रहा हूँ, फिर ये बाद में आपको क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसमें और भी चीज़ें हैं, इंक्रीमेंट एज सेंटर एज, फिलहाल हम इसमें नहीं जा रहे, हम इसको यहाँ से भी हटा देते हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं मूव टूल के अंदर, मैं कुछ चीज़ों को यहाँ से रिलेट कर रहा हूँ, इसको इसको और इस पार्टी को थोड़ी देर के लिए हाइट कर रहा हूँ। अब मूव टूल किस लिए काम आता है, अगर हम मूव टूल पे लेने के बाद इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन एरो आ रहे हैं, ये जो एरो है ये जा रहा है वाई एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। इस तरफ क्लिक करते हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे आता है, ठीक है, और हमने इसको इधर कर लिया, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ब्लू वाले को पकड़ेंगे तो ये जेड एक्सिस ऊपर की साइड पे जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक शॉर्टकट की भी होती है जी, अगर आप जी दबाते हैं तो जी का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें जैसे अभी तो मैं इन एरो की मदद मतलब से एक्स वाई जेड एक्सिस जा रहा हूँ, और अगर मैं इसको सेंटर से पकड़ूंगा तो कहीं भी रख सकता हूँ, तो जी भी यही काम करता है कि जी अगर आप दबाएंगे प्रेस करेंगे जी बटन तो आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, जी मतलब ग्रैप, ठीक है, कहीं से भी ग्रैप करके इसको कहीं रख सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैंने कहा नहीं यार मैं अगर जी दबाऊँ और अगर मैं इसको वाई एक्सिस पर लेना चाहूँ तो जी के साथ जी के दबाते ही आपने उसके बाद आपने वाई दबाना है तो ये ऑटोमेटिक वाई एक्सिस पर आ जाएगा, देख रहे हैं अभी इसे वाई एक्सिस पर मूव होगा, ठीक है। और आपने इसको क्लिक कर दिया, अब आपने फिर दोबारा जी दबाया, अगर आपने एक्स एक्सिस में करना है या जेड एक्सिस में करना है तो जेड दबाना है तो ये जेड एक्सिस में मूव होगा, ये इस तरीके से, ठीक है जी, समझ में आ गया होगा आपके एक नन। इसको लो मैं कंट्रोल जेड दबा के दोबारा अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड जो है आपको पता ही होगा अंडू के लिए यूज़ होता है, अक्सर सॉफ्टवेयर में इसका यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ बताता फिर हूँ कि अगर आप इसको फर्ज करें वन दबाते हैं, कीपैड वन दबाते हैं तो आप ये टॉप फ्रंट व्यू पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस पर क्लिक करके भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कहाँ रखना है, तो अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको मूव करा लीजिएगा, ठीक है, किसी भी व्यू पैनल पे आके आप इसको देख सकते हैं कि सेंटर में है कि नहीं है, ठीक है, तो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
ठीक है जनाब। इसके बाद आपके पास आता है रोटेट, रोटेट पे क्लिक करेंगे आप। रोटेट पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक सर्कल टाइप की चीज़ें बनी हुई आ जाएंगी, इस पर हुई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, अगर हम इसको फर्ज करें यहाँ करते हैं तो ये एक्स एक्सिस में घूम रहा है, अगर हम कर रहे हैं जेड एक्सिस में घूम रहा है, और ये वाई एक्सिस में घूम रहा है। ठीक है जी, बट अब इसकी शेप चेंज हो गई है। अगर आप सेंटर से पकड़ के घुमाएंगे तो किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में, तो ये रोटेशन आ रही है, इसको आप जीरो कर दें, इसको भी जीरो कर दें, इसके नीचे वाले को भी जीरो कर दें, और जेड एक्सिस को भी जीरो कर दें, तो ये जैसे था पहले वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको एक्स एक्सिस में घुमाते हैं, फर्ज करें मैं इसको एक्स एक्सिस में घुमाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि रोटेशन इसकी 95 हो, तो चाहे तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, या फिर इधर देखिएगा, इस तरफ देखिएगा, जब मैं इसको घुमा रहा हूँ यहाँ पे, जब मैं इसको घुमाता हूँ साथ में कंट्रोल दबाता हूँ, तो एक इस पे व्हील टाइप का आ जाता है, और ऊपर अगर मैंने जो आपको दिखाया तो रोटेशन वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और वहाँ पे नंबर बढ़ रहा है, तो आप इसको बिल्कुल 90 डिग्री पे लाके छोड़ भी सकते हैं, तो बिल्कुल 90 डिग्री पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ शो हो रहा होता है। ठीक है जनाब, इसको दोबारा आप भला से ज़ीरो कर दें। ठीक है, तो ये रोटेशन का मतलब टूल है, आप इसको ईजिली कहीं से भी ऑब्जेक्ट को, मैश को, ऑब्जेक्ट कह लें, मॉडल कह लें, मैश कह लें, इसको आप रोटेट कर सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप आर दबाएंगे, इसकी शॉर्टकट की है, तो आर के ज़रिए भी ये आ जाता है, मतलब फ़र्ज़ करें आपने ये लिया हुआ है मूव टूल, अगर आप आर दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने दबा दिया साथ में वाई, तो ये वाई एक्सिस में रोटेट होगा, एक्स दबाएंगे तो एक्स एक्सिस में होगा, और अगर जेड दबाएंगे तो जेड एक्सिस में ये रोटेट होगा, ये इसकी शॉर्टकट की है। अच्छा जी, अब हमारा आता है यहाँ पे स्केल टूल, ये हमारा स्केल टूल है। स्केल टूल किस लिए यूज़ होता है? ये स्केल टूल साइजिंग को छोटा बड़ा करने के लिए यूज़ होता है। आपने स्केल पे क्लिक करा, यहाँ पे तीन ऑप्शन आ जाएंगे, एक्स वाई जेड, आपने यहाँ से पकड़ा वाई को, ये वाई के ज़रिए वाई समित में बड़ा होगा, आपने पकड़ा एक्स के ज़रिए एक्स समित में बड़ा होगा, और ये जेड करेंगे तो ये जेड समित में बड़ा होगा। सिंपल सी कहानी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब सादा खुशबू है। ठीक है, अगर आप इसको सेंटर से पकड़ के करेंगे तो ये सेंटर से भी बड़ा हो सकता है। कैसे? इसके लिए आप सेंटर से यहाँ इस जगह पे पकड़ के बड़ा करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा आप यहाँ से मूव टू ले लेते हैं, अगर आप एस दबाते हैं, स्केल इसकी शॉर्टकट की है, स्केल के ज़रिए भी एस दबाएंगे ये प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा होगा, अगर साथ में आपने वाई दबा दिया तो ये वाई एक्सिस में बड़ा होगा, एक्स दबा देंगे तो एक्स होगा, जेड दबा देंगे तो ये जेड एक्सिस में छोटा बड़ा यहाँ से होगा। ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत आसान है, बहुत हलवा है। ठीक है ना, तो यहीं पर इसकी जो आप प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ से भी इसको आप छोटा बड़ा साइज को कर सकते हैं, स्केल को। ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा जी, अब बारी यहाँ पे एनोटेशन की, इसको आप कहते हैं एनोटेट, ये बेसिकली पेंसिल टाइप की चीज़ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से वन दबा के टॉप पे चला जाऊँ, ठीक है, तो फ्रंट पे आ गया, सेवन पे आके टॉप पे कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं पेंसिल ले लेता हूँ, तो इसके अंदर भी तीन चार ऑप्शन है। पहला तो ये है, ये आप क्लिक दबा के रखें, अपनी मर्ज़ी से आप कोई लाइन वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, ये कंट्रोल जेड करते हैं इसको दोबारा। इसके बाद एक दूसरा ऑप्शन है, ये लाइन, इस पर आप क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन दबा के रखेंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरीके से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन दबा के रखिएगा, जहाँ छोड़ेंगे वहाँ लाइन बन जाएगी, ठीक है, कंट्रोल जेड कर दिया। इसके बाद है पॉलीगॉन, ये क्या करता है, क्लिक दबा के रखा और फिर क्लिक दबाया, क्लिक दबाया, क्लिक दबाया, लाइन से लाइन जुड़ती जाएगी, ठीक है, और फिर पॉइंट से पॉइंट मिला दीजिएगा इसका। ठीक है, अच्छा इसके बाद टूल है हमारे पास एक और, इरेजर, ये क्या करता है, इसको थोड़ा सा 3D में ले आए आप, ठीक है, ये इसको मिटाने के काम आता है। ठीक है, यहाँ पे रखा आपने, और ये इसको मिटाने के काम आता है, रहता है, पहले मिटा नहीं रहता, अब मिटाना स्टार्ट कर दिया। खैर, कोई ना कोई ग्लीच होगा इसका, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ, लाइन बनाता हूँ, तो ये इसको मिटाने के काम आएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, पहले क्यों नहीं कर रहा था, हो सकता है कोई छोटा मोटा ग्लीच हो। ठीक है जी, अब मैं इसको एक नया पेज ले लेता हूँ, फाइल न्यू जर्नल, हर बार मैं सोच रहा हूँ नया पेज ले लिया करूँ, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास होता है मेजर टूल, यानी कि इसको आप रूलर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 7 दबा के टॉप पे आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 7 दबा के टॉप पे आ गया। अब मैं यहाँ से लेफ्ट से लेकर राइट तक इसका साइज़ नापना, मेजरमेंट करना चाह रहा हूँ कि कितना इसकी विड्थ है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके सिंपल एक क्लिक यहाँ करता हूँ, ठीक है, और क्लिक दबा के रखा और यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल दबाऊंगा और इसको उठा के यहाँ से उठाऊंगा, पहले क्लिक करके उठा लें, फिर कंट्रोल दबाएं, तो यहाँ से ये अटैच हो जाएगी, ठीक है, और ये बता देगा 2 मीटर इसका साइज़ है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप बीच पे क्लिक करके इसको मूव करेंगे तो ये मूव भी हो जाएगा, और इजीली कहीं भी आप इसको 45 एंगल पे अटैच भी कर सकते हैं। आप इसको इस तरह ले लें, ठीक है, इस तरह,
आपने इसको लिया, कंट्रोल क्लिक दबा के रखा और यहाँ से ला ला के छोड़ दिया, फिर क्लिक करा इसके कॉर्नर पे, इसको मूव कराते हुए कंट्रोल दबाया, यहाँ से यहाँ अटैच हो जाएगा खुद ब खुद वर्टेक्स से, इसको पकड़ा, इसको मूव कराया और कंट्रोल दबा के रखा और ये ऑटोमेटिक यहाँ कॉर्नर से अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच का साइज़ है 2.8 समथिंग मीटर। ठीक है जी, इतना आसान है, बहुत ही ईजी। ये होता है मेजरमेंट टूल, मतलब साइजिंग वगैरह करना हो अगर आपने। ठीक है जी, अच्छा अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ बताता चलूँ कि देखें, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये कहलाता है मैश। अगर आप शिफ्ट ए दबाएं तो मैश, कर्व और सरफेस, ये तीन ज़्यादातर यूज़ होते हैं, बाकी मीटाबॉल कम यूज़ होता है, टैक्स अभी आगे यूज़ होगा और ये बहुत यूज़ होता है, ग्रीस पेंसिल एक चीज़ है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो आप कन्फ्यूज़ होंगे। आर्मेचर जो है ये रिगिंग बॉडी के लिए यूज़ होता है, रिगिंग बॉडी क्या है ये आगे की बात है, कि असल में थोड़ा सा बता देता हूँ कि रिगिंग बॉडी जो है किसी करेक्टर को एनिमेट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अच्छा अब इस तरीके से इमेज आ जाए, इमेज बेसिकली यूज़ होता है कि कोई इमेज यहाँ पे लेके आना हो। ठीक है, फिर लाइट वगैरह, और ये फिर लाइट प्रॉप कैमरा वगैरह के लिए यूज़ होता है, स्पीकर है, अभी ये सब चीज़ें मैं आस्ते आस्ते आपको बताऊंगा, फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी मैश से। मैश से मैं आपको बता चुका हूँ कि तमाम चीज़ें मैश होती हैं। ठीक है, इसमें मैश के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोन भी होता है, सिलेंडर भी होता है, यूवी स्फीयर भी होता है। अगर आप शिफ्ट इसको ज़रा सा मैं साइड में कर दूँ और शिफ्ट ए करूँ तो आप देखें यूवी स्फीयर आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग मैश ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होता है बट ये कहलाता मैश है। ठीक है, ये सिलेंडर आ गया, मुख्तलिफ शेप यहाँ पे बनते चले जाएंगे। ठीक है जनाब, फिलहाल मैं फाइल पे आता हूँ, न्यू पे आता हूँ, जनरल पे करता हूँ, उसको डोंट सेव करता हूँ। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर मुझे इसको चेंज करना हो, ठीक है, सवाल ये उठता है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मुझे चेंज करना हो किसी दूसरी शेप में, तो यहाँ पे आप देखें लिखा है ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, उसके लिए मुझे आना पड़ेगा एडिट मोड। एडिट मोड पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो गई, हाईलाइट हो गया रेड कलर में, मतलब ऑरेंज कलर में। ठीक है, और यहाँ पे तीन ऑप्शन आ गए, एक है वर्टिसिस, वर्टेक्स जिसे कहते हैं, एक है हमारे पास एज और एक है हमारे पास फेस। ठीक है, तीनों का काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, ये देख रहे हैं ये हमारा वर्टिसिस होता है, वर्टेक्स जिसे कहते हैं, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ये पॉइंट्स हमारे वर्टेक्स कहलाते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप मूव भी करा सकते हैं मूव टूल के जरिए। ठीक है, देख रहे हैं आप शेप चेंज हो रही है, ये हम मौजूद हैं एडिट मोड में। अगर हम ऑब्जेक्ट मोड में करेंगे तो उसकी शेप हम चेंज नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट मोड में सिर्फ हम इसको मूव करा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं, जबकि एडिट मोड के अंदर हम इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये किनारों से पकड़ के जैसे कहते हैं वर्टिसेस को समझे, किनारों से पकड़ के आप इसको मूव करा रहे हैं, मतलब इसकी शेप चेंज कर रहे हैं। बाकी होता है एजिस, एजिस किनारे, ये किनारे, ये दूसरे किनारे। ठीक है, एजिस देख रहे हैं इस तरह इसकी शेप चेंज हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपने लिया फेस, फेस क्या करेगा, फेस ऊपर से सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसको आप बड़ा और उसको यहाँ पे स्केल से छोटा भी कर सकते हैं, 20 से सेलेक्ट कर लें, कौन बन जाएगी। ठीक है, इसकी हाइट भी कम कर सकते हैं, यहाँ से एरो लें, स्केल 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 की शॉर्टकट की एस एस दबाएंगे, स्केल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिलहाल फाइल पे आते हैं, न्यू पे आते हैं, जनरल पे आते हैं, डोंट सेव, इसको दोबारा सेलेक्ट करा। ठीक है, एडिट मोड, अच्छा ये एडिट मोड लाइट कैमरा और लाइट में नहीं आएगा, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट मोड ही रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे लाइक मैश हो गया और दो चार और हो गए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसमें ये एडिट मोड खुलता है। ठीक है, मैंने एडिट मोड पर क्लिक करा, अब देखें किसी ने मुझसे पूछा शाहरुख भाई ये वर्टिसेस जो हैं ये पॉइंट एक वक्त में एक सेलेक्ट हो रहा है, अगर मुझे दूसरा सेलेक्ट करना तो भाई कोई मसले की बात नहीं, शिफ्ट दबा के रखो क्लिक करो, ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट हो गए इसके, दो क्या तीसरा करना हो शिफ्ट दबा के क्लिक करते रहो, जो जो क्लिक करोगे पॉइंट सेलेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, एज पे क्लिक करना हो शिफ्ट दबाओ, दूसरे शिफ्ट दबा के रखो दोनों पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से फेस सेलेक्ट करना हो शिफ्ट दबाओ, यहाँ से फेस सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा किसी ने कहा कुछ जल्दी अगर मुझे सेलेक्ट करना हो एकदम राउंड में, तो अगर आप ऑल्टर दबा के क्लिक करते हो एक फेस पे तो देखिए सर्कल में इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से सेलेक्ट नहीं हुआ, ये पूरा ऊपर से होता हुआ नीचे की तरफ तक सेलेक्ट हुआ। ठीक है, ऑल्टर दबाएं। ठीक है, तो ये कुछ कीज़ हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं, अगर जो समझ में नहीं भी आ रहा तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ऐसा ऐसा जैसे जैसे मैं चीज़ें सिखाता जाऊँगा और वो सेलेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से अगर मैं फेस सेलेक्ट करता हूँ ऑल्टर क्लिक से तो आप बोलेंगे यार ये तो पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, देखें तो इस चीज़ों की टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है,
यार ये सब इसी में हो रहा है, तो भाई ये सब आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें बताऊंगा क्या चीज़ें क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड कर देता हूँ, बल्कि फाइल पा के न्यू करता हूँ, जनरल करता हूँ, डोंट सेव करता हूँ, ये इस तरह आ जाता है, ठीक है जी। अच्छा अब मैं आपको बताऊंगा कि लोकल व्यू क्या होता है और ग्लोबल व्यू क्या होता है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ग्लोबल व्यू, ग्लोबल व्यू के अंदर तमाम बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि फर्ज करें इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ यूवी स्फीयर, ठीक है, और इसको आगे निकाल देता हूँ, इसकी एक कॉपी और बना लेता हूँ, ठीक है, इसी तरीके से इसकी भी कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है, इसी तरीके से और मैं काम करता हूँ, कौन ऐड कर देता हूँ, कौन आ गए इसके अंदर, और एक मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ सिलेंडर, सिलेंडर आ गया इसके अंदर। अब क्या है कि ये आप देख सकते हैं कि बहुत घिचपिच हो गया है, मतलब बहुत थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें एक साथ इसके नज़दीक भी हैं क्यूब के, और बहुत ज़्यादा रश लग गया है, और मुझे इस क्यूब को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, इसको भी कौन बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ मैं खाली इसको एडिट करूँ, बाकी सब छुप जाएँ, ठीक है। या तो मैं इसकी आई क्लोज़ करूँगा यहाँ से, ठीक है, अगर यहाँ से मैं आई क्लोज़ करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि चीज़ें यहाँ से गायब होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, बट मुझे ये नहीं करना। मैं क्या करूँगा, मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और क्यूब को सिलेक्ट करने के बाद आपने करना क्या है, आप आएंगे व्यू में, आप आएंगे लोकल व्यू में, और आप करेंगे टॉगल लोकल व्यू, और उसकी शॉर्टकट की लिखा हुआ देखेंगे, ये फ्रंट स्लैश दिख रहा होगा, ठीक है, ये फ्रंट स्लैश है, ठीक है, या तो आप इस पर आके व्यू पे आके लोकल व्यू पे आके इस पर क्लिक कर दें, तो देखें ये सेलेक्ट हो जाएगा अकेला और बाकी सब चीज़ें गायब हो जाएंगी, और उसको सबको दोबारा लाना हो लोकल व्यू, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तमाम चीज़ें आ जाएंगी, या पर शॉर्टकट इसका वही है, कीबोर्ड से आप फॉरवर्ड स्लैश दबाएं, ये सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी तमाम चीज़ें गायब हो जाएंगी, दोबारा फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे तो तमाम चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सिंगल में ले जाके टैब एडिट दबाएं, एडिट ले लें, एडिट मोड टैब से आता है जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है, इसका इसको एडिट कर लें, ठीक है, उसके बाद दोबारा फॉरवर्ड स्लैश दबाएं, तो देखें आराम से इसको अकेले में आप एडिट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आप थोड़ी देर के लिए हाइड कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा किसी ने मुझे बोला कि यार शाहरुख भाई नहीं, एक काम करो कि दोनों को सिलेक्ट कर लो, कोई दो चीज़ें एक साथ आ सकती हैं, तो आपने बोला एक काम करो इसको सिलेक्ट कर लो और इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और फॉरवर्ड स्लैश दबाएं। अब ये दोनों लोकल व्यू में आ गए, ठीक है, यहाँ से चेंज नहीं हुआ बट ये लोकल मोड है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लें, ठीक है, और जिसको जो एडिट करना हो कर लिया, ठीक है, और अगर आपको दोबारा उधर आना हो तो फॉरवर्ड स्लैश दबाया तो दोबारा आ गए, दोबारा फॉरवर्ड स्लैश दबाया तो उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। फिलहाल एक चीज़ और मैं बताऊँ, अब इन दोनों को सिलेक्ट करें दोबारा शिफ्ट के साथ, फॉरवर्ड स्लैश दबाएं, अब इनमें से मैं एक चाह रहा हूँ एक चला जाए दोबारा से ग्लोबल व्यू में, ठीक है, एक रहे एक चला जाए, इसका काम हो गया। अब इस पर काम करेंगे तो उसको गायब करने के लिए आप दोबारा व्यू पर आएंगे, लोकल व्यू पर आएंगे, और यहाँ से आप इस पर गए थे ना, अब आप आएंगे इस पर रिमूव फ्रॉम लोकल व्यू, ठीक है, ऑल्टर नम पैड इसकी शॉर्टकट की है, ऑल्टर फॉरवर्ड स्लैश इस पर क्लिक करें, वो चला गया, सिर्फ ये रह गया, दोबारा फॉरवर्ड स्लैश दबाएं तो तमाम चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे, यानी कि ग्लोबल व्यू में आ जाएंगे। अच्छा जी यहाँ से पहले इसको क्लियर करते हैं, फाइल न्यू जर्नल, और इसको डोंट सेव करते हैं, हमने एक नया पेज ले लिया या नई विंडोज़ ले ली। अब नया एनवायरनमेंट लेने के बाद इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डुप्लीकेट होती क्या, आज मैं आपको डुप्लीकेट के बारे में अगर हो सकता है मैंने बताया प्रीवियस क्लास में, अगर नहीं भी बताया तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, और उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड भी करूँगा, ठीक है। डुप्लीकेट क्या होता है कि अगर मुझे इसकी एक से दो कॉपियाँ बनानी हो इस क्यूब की, तो शिफ्ट ए करके मैश में आके आप इसको क्यूब पर क्लिक करेंगे तो ये एक से दो कॉपी हो जाएंगी, ठीक है, बट मुझे इस तरह नहीं बनानी, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। मेरे पास इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट डी, शिफ्ट डी दबाएंगे इसकी एक कॉपी बन जाएगी, ठीक है, उस कॉपी को आप कहीं भी ले जाके रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इस पर दोबारा क्लिक करें, शिफ्ट डी दबाएं, इसकी कॉपी निकाल दें, पहले से इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट डी दबाएं और शिफ्ट डी दबा के इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं। फिलहाल मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, दोबारा अंडू करता हूँ, ठीक है। अब मेरे दोस्त मुझे बोला शाहरुख भाई आपने शिफ्ट डी दबाया कॉपी हो गई, मैं चाह रहा हूँ इसको कि वाई एक्सेस में, बिल्कुल वाई एक्सेस के सीध में है, तो मैं वाई दबाऊंगा साथ में, कंट्रोल जी के शिफ्ट डी के साथ में वाई दबाऊंगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखें इसको मैंने करा, इसको शिफ्ट डी करा और मैं इसको एक्स एक्सेस पर चलाना चाह रहा हूँ, तो एक्स दबा दूंगा, शिफ्ट डी के फौरन बाद एक्स दबाऊंगा, क्लिक व्लिक नहीं करूंगा। दोबारा बताता हूँ, मैंने दबाया शिफ्ट डी, उसको उठाया यहाँ रखा, क्लिक नहीं करा, सिर्फ उठा के मूव कराते हुए मैंने दबाया एक्स, अब ये एक्स एक्सेस की सीध में आएगा, ठीक है, ये इस तरीके से, इस तरह जेड एक्सेस से, ठीक है। दोबारा देखें आपने करा शिफ्ट डी, इसको मूव करा के यहाँ कहीं भी लेके आया और एक्स दबा दिया, आगे ले जाके रखा और इस तरह छोड़ दिया। और अगर इसकी कॉपी एक और चाहिए इसी की,
तो अगर आप साथ में शिफ्ट आर दबाते हैं तो इसी तरह ही ऑटोमेटिक आगे चलता चला जाएगा, इसकी कॉपियां ही ऑटोमेटिक बनाता जाएगा। कैसे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, गौर से देखिएगा, हो सकता है समझ में ना आया हो, दोबारा देखें। आपने शिफ्ट डी करा, इसको एक्स की एक्स में ला के रखा यहाँ पे और शिफ्ट डी दबा दिया, सॉरी दोबारा देखें, आपने इसको शिफ्ट डी करा और इसको एक्स में रखा, ठीक है, और आप दबाएंगे शिफ्ट आर, तो इसकी कॉपी रेप्लिकेट होती रहेगी, ठीक है। दोबारा देखें, फाइल न्यू जर्नल, फाइल न्यू जर्नल, डोंट सेव, शिफ्ट डी, अब मैंने इसको वाई में रखा, आगे लेके गया और शिफ्ट आर दबाता रहूँगा तो इसकी कॉपी डुप्लीकेट होती रहेगी। तो यहाँ तक तो आपको डुप्लीकेट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं फाइल पाता हूँ, न्यू करता हूँ जर्नल और डोंट सेव। अच्छा जी, यहाँ मैंने जल्दी से कंट्रोल एन करके या फाइल पा के, न्यू पा के, जर्नल पा के मैंने नया पेज ले लिया, क्योंकि मैंने कहा हर बार मैं नई वीडियो जब बना रहा हूँ कुछ चीज़ नहीं बताऊँगा तो मैं नया पेज लूँगा, ठीक है। अच्छा, अभी आपने सीखा शिफ्ट डी, शिफ्ट डी से आप कॉपी बना सकते हैं जितने भी चाहें, ठीक है। और अगर मैं इस जो मैंने कॉपी बनाई है या जो ओरिजिनल वाला है, अगर मैं टैप दबाता हूँ तो मैं आता हूँ एडिट मोड पे, ठीक है, और यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ फेस। अगर मैं इसको ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करके इसको ऊपर करूँ तो क्या होगा, सिर्फ इसका फेस चेंज होगा। और अगर इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक कर, फर्ज करें, ठीक है, टैप से, और इसको आगे करता हूँ तो इसका फेस ऊपर नीचे होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अपनी मर्जी से आपने चाहे इसको सेलेक्ट करना है, चाहे इसको सेलेक्ट करना है, और टैप दबा के आप इसको अप एंड डाउन या छोटा बड़ा कर सकते हैं। बट अगर मैं फाइल पाता हूँ, न्यू पाता हूँ, जर्नल पे आता हूँ और डोंट सेव करता हूँ, ठीक है, अब नया पेज बन गया। अब गौर से देखिएगा, शिफ्ट डी जो है ऑब्जेक्ट में आता है, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, इसकी की यहाँ पे लिखी हुई है, बट इसी के नीचे एक ऑप्शन है डुप्लीकेट लिंक, ये क्या चीज़ है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ऑब्जेक्ट पा कर डुप्लीकेट लिंक करता हूँ तो सेम एज इट इज़ ये डुप्लीकेट ही है। बट अगर मैं इस पर आता हूँ ओरिजिनल वाले पे और टैप दबाता हूँ और इसका फेस सेलेक्ट करता हूँ और उसको यहाँ से मैं करता हूँ ऊपर की साइड पे, तो देखें क्या होगा। ये हो गया आपस में लिंक, यानी कि अगर मैं इसको छोटा बड़ा करूँगा तो ऑटोमेटिक जो है उसका भी शेप चेंज होगा, ठीक है जी। तो ये बहुत सारी जगहों पे फ़ायदेमंद है। फर्ज करें आप करेक्टर की आई बना रहे हो तो एक आई में चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक दूसरी आई में भी चेंज होगा, ठीक है ना। फर्ज करें मैं इसको अंडू करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, छोटा करें, और इसको मैं क्यूब बना लेता हूँ, ठीक है। तो दोनों जगह से ही छोटा बड़ा और अपनी मर्जी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फाइल पा के न्यू जनरल करता हूँ, डोंट सेव। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ व्यू मोड्स के बारे में कि व्यू मोड्स क्या होते हैं। देखें इस वक्त जो मोड है हमारे पास, ऊपर देखें यहाँ पे ये सर्कल बने हुए होंगे, ये व्यू पोर्ट शेडिंग है, ठीक है, हमारे नॉर्मल व्यू पोर्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ही सॉलिड व्यू मोड कहलाता है, लिखा हुआ भी आ रहा है सॉलिड डिस्प्ले एंड सॉलिड मोड, ठीक है। अच्छा, इसके बराबर में होता है वायर फ्रेम, ठीक है, ये वायर फ्रेमिंग है कि अगर आप कोई कम्प्लेक्स चीज़ बनाते हैं तो उसकी वायर फ्रेमिंग में आप इसको देख सकते हैं किस तरह बना है, ठीक है, लिखा हुआ भी आ रहा है। ये हमारा कहलाता है मटेरियल, ठीक है। अगर हम कोई मटेरियल अप्लाई करते हैं तो ये फिर ये शो होगा। अभी इसके अंदर एक सिंपल एक सॉलिड कलर, ये कलर भी मैं बताता हूँ कहाँ से आया, ये जो कलर आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये हमारा है रेंडर व्यू। रेंडर व्यू क्या करता है कि जो चीज़ रेंडर होगी फाइनलाइज, वो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपका सिस्टम थोड़ा तगड़ा होना चाहिए, बट काम हो जाता है, ठीक है। ये हमारा फिलहाल रेंडर से पहले का भी आप देख सकते हैं कि कलर होने के बाद अगर हम इस पर कलर करते हैं, कोई चीज़ देते हैं तो वो किस तरह दिखेगा। फिलहाल हम दोबारा इसी पर आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा कहलाता है सॉलिड व्यू। अच्छा, ये इस पर जो उस वक्त आप ग्रे कलर देख रहे हैं, ये है मटेरियल। मटेरियल क्या होता है कि एक तरीके से कलर होता है, इसको आप इस तरह समझ लें, एक तरीके से कलर है, ठीक है। आप इसके अंदर और कलर दे सकते हैं, चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। वो आता कहाँ से, यहाँ से मटेरियल। इस पर आप क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं एक ही कलर इस पर अप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है, और वो कलर का बेस दे रहा, ठीक है। अगर आप इसको और कोई कलर देना हो तो यहाँ से क्लिक करके आप इसको कलर दे देंगे, ब्लू कलर दिया, और देखें इस पर कलर हो गया ब्लू कलर, बट यहाँ नहीं आया। यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि ये इस वक्त सॉलिड मोड है, ठीक है। आपको इसके लिए यहाँ पे करना पड़ेगा मटेरियल प्रीव्यू पे, ठीक है। मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से देखें, मैं कलर जब भी आप चेंज करूँगा तो कलर यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, देख रहे हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। बेस कलर है, मेटेलिक है, रफनेस है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा, अभी जहन पर ज़्यादा ज़ोर मत लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करता हूँ, शिफ्ट करके मैश पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक मंकी ऐड कर देता हूँ और उसको साइड पे निकालता हूँ, ठीक है। तो और मुझे इसको कलर देना हो तो इसमें फिलहाल कलर वो नहीं आया मटेरियल, कोई मसले की बात नहीं, नहीं आया। इस पर क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें, मटेरियल आ गया। यहाँ से इसको आप कलर दें, ठीक है, और इसको आप यहाँ से घुमा भी लें, ठीक है जी।
और एक और अच्छा, ये तो हो गया मटेरियल वन, ठीक है। इसका आप नाम भी दे सकते हैं, यहाँ क्लिक करके आप इसको नाम भी दे सकते हैं। इसको आपने नाम दे दिया ब्लू, एंटर मारा। इसके अलावा एक प्लस और ऐड करें, इस पर भी आप एक कलर दे दें येलो, या कोई और सा, या ग्रीन दे देते हैं, काम करते हैं, ठीक है। देखें ये है ब्लू, अब मुझे अगर ये कलर इस पर असाइन करना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये ग्रीन कलर इस पर असाइन करना है। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन तो कलर आपने ले लिया, इस पर ग्रीन कलर अप्लाई नहीं हो रहा, कोई मसले की बात नहीं है, इसको आप माइनस करना पड़ेगा, ब्लू कलर हटाना पड़ेगा। यहाँ से आप माइनस पे क्लिक करेंगे, ग्रीन कलर इस पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक वक्त में दो कलर अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। बट इसके अलावा इस कलर को अगर आप चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। कोई भी कलर यहाँ से ले सकते हैं, इसको आप प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ से, कि प्रीव्यू में किस तरह दिख रहा है, क्यूब में किस तरह दिखेगा, स्फेयर में किस तरह दिखेगा, ये आप ले सकते हैं। हेयर में किस तरह दिखेगा, मतलब ग्रास जो होती है, और यहाँ पे मुख्तलिफ शेड्स हैं, ठीक है। इसको बंद कर दें, अच्छा यहाँ से भी इसका कलर चेंज कर सकते। देखें अब मैंने एक क्यूब लेना, तो यहाँ पे जो मैंने कलर बनाए थे यहाँ पे आ रहे होंगे मटेरियल, ठीक है, यहाँ पे कलर आ रहा है, तो इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से ले लें, चाहे तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ और मटेरियल के बारे में, कि हम किस तरह इसके अंदर मटेरियल अप्लाई करते हैं। मटेरियल मतलब कलर वगैरह होता है, मटेरियल होता है क्या है, देखो मटेरियल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कलर भी आता है और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको ऐसा आस्ता बताऊंगा। अगर मैं अभी बताना स्टार्ट कर दिया ना मैंने आपको, तो आपका जहन उड़ जाएगा। तो फिलहाल अभी इतने रहने दो, मटेरियल का मतलब ये समझो कि हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, मैंने फाइल पैक न्यू करके जनरल पैक एक नया पेज लिया, जैसे मैं लेता हूँ। अब इस पर अगर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मटेरियल का ऑप्शन होता है, जैसे कि मैंने पार्ट टू में बताया था, मतलब पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। तो मटेरियल पे यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक इसके अंदर एक मटेरियल अप्लाई हुआ हुआ है जिसका कलर है ग्रे, ठीक है। और ये मटेरियल देखने के लिए आप आते हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसका नाम है मटेरियल प्रीव्यू, ठीक है। ये इस वक्त कलर यहाँ पे अप्लाई हुआ हुआ है, सेम ये कलर यहाँ से लिया गया है, मैंने इस पर क्लिक करके इसका दूसरा कलर ले लिया। अब मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, शाहरुख भाई कि क्या हम इसके अंदर एक और कलर दे सकते हैं? क्या सवाल, तो अच्छा है, सवाल बड़ा अच्छा है कि कलर दे सकते हैं क्या नहीं। तो देखो एक से ज्यादा कलर देने के लिए हम इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे, एक हम खाली कंटेनर बना लेंगे, कंटेनर से मतलब समझो एक स्लॉट बना लेंगे या एक बॉक्स बना लेंगे जो अभी बिल्कुल खाली है। अब हम इसके अंदर कलर देंगे, ये बॉक्स आ गया जिसके अंदर तो मटेरियल ऑटोमेटिक है, मतलब ये बॉक्स था खाली, इसके अंदर हमने ब्लू कलर दे दिया तो ये भर गया। अब इसको समझो ये भी एक बॉक्स है, इसको गिलास समझ लो जो खाली है। इसके अंदर हम न्यू पे क्लिक करके, जैसे हमने क्लिक करा इसके अंदर समझो कलर आ गया, ठीक है, ग्रे कलर का। अब हम इसके अंदर भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं ग्रीन कलर का, पर ये तो अप्लाई नहीं हुआ। अब वो अप्लाई कैसे हुआ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। या तो हम ऊपर वाले को डिलीट कर दें, ठीक है, या फिर हम टैब दबाएंगे, या हम यहाँ से लेंगे एडिट मोड, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ से करेंगे, अब देखो जैसे मैंने एडिट मोड पर क्लिक करा यहाँ पे तीन ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब मैं करूँगा असाइन, तो ये कलर इस पर असाइन हो जाएगा, ठीक है। वाह, अब एक से दो कलर्स में देने हैं, मतलब ब्लू कलर भी देना है, तो यहाँ से फेस सेलेक्ट करो, ऐसे ब्लू पे क्लिक करो और असाइन कर दो, तो एक वक्त में एक कलर इस पर आ जाएगा। इसके अलावा देखें अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको पूरे को सेलेक्ट करना हो, कंट्रोल ए दबा, खाली ए दबाएंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। खाली सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर वाला सेलेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, डी सेलेक्ट करेंगे तो तमाम डी सेलेक्ट हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट करें एक पे मैंने क्लिक करा और सेलेक्ट करा तो तमाम का तमाम सेलेक्ट हो गया कलर कलर, ठीक है। अभी ग्रीन कलर है ना, आपने सेलेक्ट कर तो एक वक्त में सारे कलर पकड़ लेगा, ब्लू कलर को छोड़ देगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। मतलब अगर आपने ब्लू कलर पे क्लिक करा और सेलेक्ट करा तो ब्लू कलर तो उसको मिला ही नहीं यहाँ पे कोई, ठीक है, तो ब्लू कलर को सेलेक्ट नहीं करेगा। बट अगर आप ग्रीन पे क्लिक करके और सेलेक्ट करते हैं तो उसने सारा ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसको अगर आपको चेंज करना हो तो आप ब्लू पे क्लिक करके असाइन करेंगे तो इस तरह हो जाएगा कि एक वक्त में सेलेक्ट करेंगे तो सारे एक जैसे कलर को सेलेक्ट करता है, ठीक है। डिसलेक्ट करेंगे तो डिसलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर कलर देना हो तो जैसे कि मैंने बताया, क्लिक करा, सेलेक्ट, मटेरियल, असाइन। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को कलर दे सकते हैं। इसके मिसाल इस तरह ले लें कि हम एक नया पेज ले लेते हैं जर्नल, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, शिफ्ट ए मंकी ले लेते हैं यहाँ से, एक मंकी का ऑप्शन होता है यार इसमें, मंकी, ठीक है, इसको बजूम कर लेते हैं, ठीक है। हम आते हैं, ठीक है, हम मटेरियल में आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, स्लॉट लेते हैं, इसका कलर देते हैं हम ब्लू, ठीक है, और शेड लेते हैं यहाँ से हम एक और स्लॉट लेते हैं क्लिक करके, और यहाँ से ग्रीन कलर लिया।
अच्छा आपने देखा कि मंकी का कलर नहीं आता, मंकी का कलर नहीं आता, ठीक है, इसके अंदर बाकी ऑब्जेक्ट्स के कलर आते हैं, मंकी का ऑटोमेटिक कलर नहीं आता। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखें जनरल पे आया, इसको डिलीट करा, शिफ्ट ए करा, दोबारा से मंकी पे आया, मतलब मटेरियल पे आता हूँ, तो देखिए इसका कोई कलर नहीं आएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इसका कलर हमें लेना पड़ेगा, तो हम दो एक साथ ही ले लेते हैं, न्यू करते हैं, यहाँ से कलर लिया ब्लू, इस पर क्लिक करा न्यू, इसको कर दिया ग्रीन। ठीक है, यहाँ से शेड ले लिया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम टैब दबाते हैं। ठीक है, अब ये जो मंकी है ना, ये खाली किसी एक किसी ऑब्जेक्ट से नहीं बना, इसमें कुछ चीज़ें मिला के इसको बना है। ठीक है, अब वो हम किस तरह पता करेंगे, वो हम बाद की बात है। अभी आप देखें आई इसके अंदर ना हमने क्या डाला होगा, आई के अंदर हमने डाला होगा, यकीन किसी ने जिसने भी ये बनाया है ना, उसने आई के अंदर डाला होगा यूवी स्फीयर, ये डाला होगा, आई बनाई होगी। ठीक है, आप कुछ डाल के इसको बनाया होगा। ठीक है, अलग अलग चीज़ें। ठीक है, अगर हम किसी आंख पे आके, ठीक है, अगर हम एल दबाते तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, या अगर हम फर्ज करें हम आ जाते हैं इसके कान पे, तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये आंखें इसकी अलग से लगाई गई हैं। ठीक है, तो अगर हम एल दबाएंगे ना, अब ये एल क्या है, इसको मत छोड़ दें। ठीक है, अभी इतना याद रखें कि मैं किसी चीज़ को सेलेक्ट करना हो ना, जो चीज़ें दो चीज़ें आपस में ज्वाइन हुई हुई हो, ठीक है, ज्वाइन मैं आगे आपको बताऊंगा, दो चीज़ें अगर आपस में ज्वाइन हुई हुई हों, ठीक है, अगर, ठीक है, तो उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो मैं एल दबाऊंगा, वो सिलेक्ट हो जाएगी, उसके ऊपर आके कर्सर रखूंगा और एल दबाऊंगा तो सिलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद जब मैं असाइन करूंगा तो उसका कलर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, दो चीजें जब आपस में ज्वाइन होती हैं, ठीक है, तो उसमें एक वक्त में एक ही कलर आ सकता है। इसकी मिसाल इस तरह लें, दोबारा से मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ आपको। अभी एक चीज है, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ यूवी स्फीयर, ठीक है, और दोनों को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल जे दबाता हूँ, ये हो गया ज्वाइन, एक एक हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें मटेरियल में कलर दे देता हूँ ब्लू। ठीक है, ये कलर आ गया। अब ये एक वक्त में एक सिलेक्ट कैसे होगा, अगर मैं टैब दबाऊंगा ना तो ये नहीं हो सकता, या तो मैं इस तरह सेलेक्ट करूंगा या मैं इस तरह सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है कि किसी एक के ऊपर आके आप एल दबाएंगे ना, तो एक वक्त में एक सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये आगे की बात है, फिलहाल अभी हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम अपने बंदर पे थे और आप समझ गए कि टैब दबा के अगर हमें किसी चीज़ को कलर करना हो, ठीक है, दोबारा बंदर लेता हूँ ताकि एक दफ़ा फिर समझ में आ जाए, शिफ्ट ए, मंकी जूम कर लिया, यहाँ प्लस से दो कलर ले लिए, ठीक है, इसको सेलेक्ट करा न्यू, इसको ग्रीन कलर कर दिया। ठीक है, टैब दबाया, इसकी आंख पाए एल दबाया, यहाँ से कलर सेलेक्ट करके असाइन करा, इस पर आके इसको भी एल दबा सकते हैं, असाइन करा, तो आप एल से किसी भी ज्वाइंट चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं और मटेरियल से उस पर कलर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे मटेरियल की बात एक दो चीज़ें बता के मैं और ख़त्म करूँ। फाइल पर आता हूँ, न्यू पे आता हूँ, ठीक है, और जनरल पे क्लिक करके इसको डोंट सेव करता हूँ। ठीक है, अब इसको भी डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट, चलें दोबारा इसको मंकी को ले लेते हैं, नया वाला। ठीक है, और फर्स्ट करें इसको मैं दोबारा ही मटेरियल में आके कलर दे देता हूँ न्यू, इसको हमने कलर दे दिया ब्लू और यहाँ से शेड ले लिया। ठीक है, अब फर्ज करें कि मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, मैश मैं ले लेता हूँ टोरस, और उसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर इसमें कलर दूँ, ठीक है, फर्ज करें मैं यही ब्लू कलर इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक कलर आ रहा है मटेरियल पे, ऑटोमेटिक, क्योंकि ये हमारा मैश है, इसके अंदर ऑटोमेटिक कलर्स पे अप्लाई हो गया। ठीक है, बट एक इशू हुआ, इशू क्या हुआ कि अगर मैं इनमें से किसी का कलर चेंज कर दूं तो ऑटोमेटिक दूसरे का भी कलर चेंज हो, समझ आई मेरी बात। देखिए अंडू करता हूँ मैं, इस पर आया, यहाँ पे कलर चेंज करा तो उसका भी कलर चेंज हो गया, क्योंकि ये मटेरियल तो उसका था, इसने जब इस पर अप्लाई करा तो दोनों सेम मटेरियल हो गए और दोनों आपस में लिंक हुए हैं। तो ये एक इशू होगा कि अगर आप अप्लाई तो कर देंगे बट जहाँ उसका कलर चेंज होगा तो दूसरे अलग भी ऑटोमेटिक कलर चेंज होगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको ये करना है कि आपने सिंपल इसको क्लिक करा और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है न्यू मटेरियल, ऐड अ न्यू मटेरियल, इस पर आप, ये दो पेज बने हुए, इस पर जब क्लिक करेंगे तो उसके अंदर एक मटेरियल और ऐड हो गया और उसका नाम चेंज हो गया मटेरियल टू। ठीक है, हमने इसी के अंदर एक मटेरियल ऐड करा और उसका कलर चेंज कर दिया हमने ग्रीन। ठीक है, तो अब इसके अंदर कलर आ गया, भला से आप ना करते कलर चेंज ना भी करते तो वो फर्ज करें कि देखें दोबारा ऐसे रखते हैं। ठीक है,
अगर हम इस पर क्लिक करते हैं इसके अंदर मटेरियल ऐड हो गया। अब मैं अगर कोई भी कलर चेंज करूंगा ना किसी का, तो किसी पे इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सब अपने अपने कलर अपनी मर्जी से चेंज करेंगे। अच्छा मैंने जल्दी से नया पेज ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा और एक और मैं ऑब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ इसके अंदर स्फीयर, और उसको मैं आगे मूव करा देता हूँ, ठीक है। अब ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि दोनों एक साथ ज्वाइन हो जाए, तो मैंने इसको क्लिक करा, देखे अब ये अभी येलो इस पर कलर आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उस पर भी येलो आ रहा है, बट अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑरेंज हो गया ये वाला, और ये येलो हो गया। इस येलो का मतलब ये कि राइट नाउ इसको गेस सेलेक्ट है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को एक साथ ही जोड़ देता हूँ, कैसे, ज्वाइन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये दोनों जुड़ गए, ठीक है। अब अगर ये एक मूव होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी मूव होगा, ठीक है, ये इसका फायदा है, ठीक है। एक वक्त में इन दोनों को अगर ज्वाइन करना हो, ठीक है। अब अगर ये इसके बिल्कुल क्लोज ज्वाइन होता, फर्ज करें, ठीक है, हमने एक नया पेज ले लेते हैं, फर्ज करें इसके अंदर हम एक और ऐड करते हैं, ये इसके बिल्कुल करीब में ऐसे ज्वाइन होता, ठीक है, और हम दोनों को सिलेक्ट करते, अब ये चाहे इसको सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट करें, दोनों को सिलेक्ट करके, ठीक है, शिफ्ट के साथ ऑब्जेक्ट में आके उसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और अगर ये दोनों एक साथ ज्वाइन होते तो क्या होता, सबसे पहले तो हम टैब में आते हैं, ठीक है, अभी भी ज्वाइन है, हम इसको पूरे को सिलेक्ट कर नहीं सकते। अगर हम इस खाली स्क्वायर को सिलेक्ट करना चाहें तो आधा हिस्सा तो उसके अंदर है, तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा अपना क्यूब, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सिर्फ कर्सर इस पर रखेंगे और जब एल दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसके ऊपर आगे सेलेक्ट करेंगे तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाहर क्लिक करें, क्यूब पे आके एल दबाएं तो एक वक्त में एक सेलेक्ट होगा, बाहर क्लिक करके डिसलेक्ट करें, इस पर आके एल करेंगे तो ये सेलेक्ट होगा। तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट मोड के अंदर नहीं होगा, ये सिर्फ एडिट मोड के अंदर होगा, इस बात को अपने जहन में रखिएगा, ऑब्जेक्ट मोड में यूज नहीं होता है। इस तरह फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट को, फर्ज करें एक और ऑब्जेक्ट खोल लेते हैं यहाँ पे, तीन ऑब्जेक्ट को, चार ऑब्जेक्ट को, जितने ऑब्जेक्ट चाहें यहाँ पे आप उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट में आके ज्वाइन, ठीक है। तो ये है इसका काम। अच्छा जी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडिट मोड के अंदर क्या बताने जा रहा हूँ, बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने नया पेज ले लिया, यहाँ पर आया एडिट मोड, और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ये ऐड कौन वगैरह ये सब क्या है। वैसे तो ऐड क्यूब होता है यहाँ पे लिखा हुआ। देखिए सीन्स ऐसे हैं कि अगर आप शिफ्ट ए करते हैं यहाँ से, आप क्या करते हैं कि क्यूब वगैरह ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखें आप शिफ्ट ए करते हैं ना तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है मैश के अंदर, क्यूब ऐड करना, यूवी स्फीयर ऐड करना, सिलेंडर ऐड करना, कौन ऐड करनी हो, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप एडिट मोड करते हैं टैब दबा के तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वही चीज़ आ रही होती है, पर करना है क्या कि ऐड क्यूब पे क्लिक करा, ये आपके पास नीचे देखें साया सा आ गया, ठीक है। आपने बोला भाई साया यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है, क्लिक दबा के रखना है, इसको बड़ा करना है, थोड़ा सा ऊपर लेके जाना और क्लिक करना है, तो अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं क्यूब को कि कितना बड़ा इसको रखना है। इसी तरीके से ऐड कौन है, क्लिक करा, क्लिक दबा के रखा, इतना बड़ा स्पेस लिया, थोड़ा सा ऊपर करा, ठीक है, ये आपका कौन बन गया। इसी तरीके से ऐड सिलेंडर है, क्लिक करा, क्लिक दबा के रखा, ऊपर करा, अपनी मर्जी से बना दिया। तो ये चीज़ें फिलहाल इसकी इतनी कोई जरूरत नहीं, वो हम शिफ्ट ए से भी ले लेते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसके अंदर दी हुई हैं, पता नहीं क्यों, पर सही है। अच्छा अब हम बताने जा रहे हैं आपको यहाँ पे एक्सट्रूड। अच्छा इसके अंदर दो तीन ऑप्शन बताऊंगा जो काम के। एक्सट्रूड करता है कि एडिट मोड के अंदर ही होता है ऑप्शन, ठीक है। फर्ज करें पहले मैंने बाहर क्लिक कर दूं, ठीक है, यहां से लेता हूं मैं फेस, इसको ऊपर से सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर से मुझे एक इसको बाहर निकालना है, एक्सट्रूड निकालना है, मतलब इसके अंदर से एक क्यूब और निकालना है, या इसके अंदर से ही एक मुझे इसका कहते हैं ना कि एक मैश और निकालना है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा एक्सट्रूड रीजन पे, ये देखिए हमारे पास प्लस पॉइंट आ रहा है, इसको पकड़ के ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ से हम इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसने यहाँ पे कट लगाया और कट लगा के इसके अंदर से एक एक्सट्रूड करके इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है, और बड़ा कर लें, जहां क्लिक छोड़ेंगे ना वहां कट लग जाएगा और वो वहां से उसको निकालना स्टार्ट कर देगा एक्सट्रूड के जरिए, ठीक है। यहाँ आपने क्लिक छोड़ा था, अब देखें एक्सट्रूड के जरिए इसको जितना लंबा आप चाहें कर सकते हैं। इसी तरीके से अब आप चाहें तो यहां पे क्लिक करके भी इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं इसको अंडू करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, उसको ऐसे करता हूँ, ठीक है, ऐसा हो गया। इस पर यहाँ क्लिक करा, इसको ऐसा कर सकता हूँ। तो इस तरीके से कहीं से भी एक्सट्रूड के जरिए मैं कोई चीज़ को निकाल सकता हूँ, एक्सट्रूड कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा इसके अंदर और भी ऑप्शन है, ठीक है, चाहे आपने यहाँ से एक्सट्रूड कर दिया, फाइल पाए, न्यू पाए, दोबारा जनरल करा, डोंट सेव करा, ठीक है, एक्सट्रूड पाते हैं टैब दबा के, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट करा फेस को, देखें यहाँ से शिफ्ट दबा के, यहाँ से शिफ्ट दबा के, यहाँ से शिफ्ट दबा के, यहाँ से। अब अगर मैं एक्सट्रूड करूँगा ये वाला, ठीक है,
और यूँ करूँगा तो देखें अप एंड डाउन हो रहा है, इस तरह बना रहा है, पर मुझे तो चाहिए कि यार इधर से भी निकले, इधर से भी निकले, इधर से भी निकले और इधर से भी निकले, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं आऊँगा यहाँ पे, ये लिखा हुआ है एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, ठीक है, नहीं इस पर क्लिक नहीं करना, ये लिखा है एक्सट्रूड मैनिफोल्ड, इस पर क्लिक नहीं करना, आपने करना है एक्सट्रूड इंडिविजुअल, इंडिविजुअल अपनी जगह से इसको निकालो, देख रहे हैं ये अलग अलग चार जगह से निकलेंगे इस तरीके से, क्योंकि आपने इसको सेलेक्ट करा, ये आगे अब हमारे बहुत काम आने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंडिविजुअल के बाद होता है हमारे पास एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल, नॉर्मल क्या करते हैं कि मिला के निकालेगा क्यूब को, इस तरीके से आपस में ये ज्वाइंट होंगे, ठीक है, और ये इस तरीके से इसको एक्सट्रूड करेगा, ठीक है। फिलहाल ये किनारे पकड़ के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो सिलेक्ट आपके समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं दोबारा ही ले लेता हूँ एक्सट्रूड, एक्सट्रूड आपने लिया, ठीक है, फाइल पे आए, न्यू पे आए, जनरल पे दोबारा आके मैंने एक नया ले लिया, ठीक है, शेप, इसको आप मैश कह लें या क्यूब कह लें। अब देखें आपने टैब दबाना है, टैब दबा के आप बार बार इस पर आ रहे थे, यहाँ से एक्सट्रूड ले रहे थे, आपको इसको लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ई भी दबाएंगे, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से क्लिक करेंगे, ई दबाएंगे तब भी एक्सट्रूड आ जाता है, यहाँ क्लिक करा, ठीक है, ई दबाया यहाँ से निकलेगा, यहाँ क्लिक करा, ई दबाया यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, या आप ऐसे तो उसको ऊपर ले जा सकते हैं, पर अगर एक्सट्रूड के जरिए दबाएंगे ले जाएंगे तो ई दबाएंगे ये दोबारा ऊपर चला जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे ई दबाएंगे ये इस तरीके से निकल आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा एक्सट्रूड जो है ना, ये जो सबसे ज़्यादा सही वर्क करता है वो इस पर वर्क करता है फेस पे, ठीक है, इस पे और इतना कोई खास, ठीक है, इस पर भी वर्क करता है, बट इसको मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाके समझाऊंगा कि इस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है, ये किनारे निकाल लो, ठीक है, अगर वर्टिसेस निकाल लो, ठीक है, तो इस तरीके से, बट सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार इस पे वर्क करता है वो है ये इस पे फेस पे, ठीक है, ये भी इनके भी काम है, ये आपको मैं आगे जाके समझाऊंगा। फिलहाल पे फाइल पे आता हूँ, न्यू पे आता हूँ, जनरल पे क्लिक करता हूँ, डोंट सेव करता हूँ, तो ये खत्म हो जाता है। तो ये है सिंपल एक्सट्रूड का काम। इसके अलावा काम बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हम इसके जरिए बना सकते हैं, हम इसके अंदर चेयर बना सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कि चेयर किस तरह बना सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें जो हम इसके अंदर ईजिली बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये तो एक्सट्रूड का काम आपको समझ में आ गया होगा। तो जनाब आज हम बताने जा रहे हैं जो आपने अभी तक सीखा है उसको हम बताएंगे आपको कि उससे आप पेंसिल किस तरह बना सकते हैं, बहुत आसान है पेंसिल बनाना, ठीक है ना, अभी हम इन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए पेंसिल बनाना सीखेंगे। सिंपल, सबसे पहले तो उसको डिलीट कर दें सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद आप आए शिफ्ट ए करें, यहाँ से आप लेंगे क्या सिलेंडर, सिलेंडर लेने के बाद एड सिलेंडर पा के इसका वर्टिसेस करते हैं 12, रेडियस करते हैं 0.5, ठीक है, और लेंथ कर देते हैं हम यानी कि डेप्थ जो इसकी 15, ठीक है। अच्छा एक चीज़ अभी मैं आपको बताने रहा, एनगॉन लिखा हुआ है, इसको आप कर दें ट्राइंगल फैन, ठीक है। फिलहाल ये क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, कुछ चीज़ें तो अभी फिलहाल कुछ नहीं रखिएगा, ठीक है। अब इसको उठा के थोड़ा सा आप ऊपर ले जाएं, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करें, ठीक है, टॉप पे आते हैं, टैब दबाते हैं, ठीक है, एडिट मोड पर आके ये लीजिएगा, बट इसके पॉइंट पर क्लिक करा और सिंपल एरो लेके इसको आप ऊपर कर दें, ये पेंसिल की शेप बन गई यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने रबड़ का हिस्सा बनाना है वो भी आप बना सकते हैं, वो किस तरह बनाएंगे सिंपल, आप कंट्रोल आर करेंगे, ये आ गया आपका लूप कट, इस पर क्लिक करा और उसको नीचे लेके आ गया थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, फिर एक कंट्रोल आर दबाया, एक लूप कट और लिया और उसको यहाँ रख दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे ये, अच्छा जी, अब आपने करना है क्या है कि यहाँ से लेना है तीसरा वाला ऑप्शन यानी कि फेस मोड, ठीक है, और ऑल्टर क्लिक करके जब इस पर क्लिक करेंगे चारों तरफ से सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक्सट्रूड में आते हैं और एक्सट्रूड से लेते हैं इंडिविजुअल, ठीक है, इसको थोड़ा सा आपने बड़ा करा ऊपर की साइड पे, हल्का सा इसको पिन कर दिया ऐसे, ठीक है, और ये आपकी पेंसिल तैयार हो गई है, ठीक है, बहुत ईजी तरीका है पेंसिल बनाने का। अब इसके अंदर हम बहुत सारी और भी इसको शार्प कर सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे नोक बना दें, ऊपर नोक बकायदा पेंसिल की बनाएं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इतना एडवांस जाने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा अपने आप को, पहले आप ये कर लें उसके बाद फिर हम आगे जाके इसको और एडवांस करेंगे, ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐड मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स क्या होते हैं, सबसे पहले बात तो इसको समझ लें, बहुत छोटे अल्फाज में बताया तो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर शेप चेंज करनी हो, एक से दो करने हो, और उस कि मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना हो तो हम मॉडिफायर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। मॉडिफायर्स कहाँ होते हैं मैं आपको बताता हूँ, मॉडिफायर्स के लिए आप इस पर आते हैं, ये मॉडिफायर्स लिखा हुआ है, यहाँ से हम हमारा सबसे पहला मॉडिफायर है एरे। एरे क्या करता है कि जैसे मैंने एरे पे क्लिक करा, आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा क्यूब था वो एक से थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये बड़ा नहीं हुआ, ये एक से दो हुआ है, ठीक है। कैसे पता चलता है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँ यहाँ से, तो देखें इसको थोड़ा सा यहाँ से ना एक्स फैक्टर, एक्स से क्या होता है कि इसके अंदर गैप आता है, ठीक है, गैप आया इसके अंदर,
इसने थोड़ा सा गैप दिया और मैंने इसको काउंट कर दिया कि भाई अब जो है ये तीन बना दूँ, तो ये डुप्लीकेट बनाने के लिए यूज़ होता है। फैक्टर एक्स मतलब ये सीधे हाथ पे जाएगा, ठीक है, एक्सिस में, और ये वाई माइनस एक्सिस में, इस तरफ करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये माइनस एक्सिस में जाएगा, और अगर सीधे हाथ पे करेंगे तो ये राइट एक्सिस पे जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस में चला गया माइनस, और ये प्लस एक्सिस में, ठीक है। फिलहाल इसको मैं ज़ीरो करता हूँ, और ये आपका जेड एक्सिस से टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। सीढ़ियाँ अगर अगर आपको बनानी है तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, सीढ़ियाँ बनाने के लिए भी बेहतरीन है कि फिलहाल मैंने इसको कर दिया जीरो, इंटर मारा, ठीक है जनाब। इसके अलावा यहाँ पर कर इन तीनों के दरमियान, जैसे फर्स्ट करें मैंने चार कर लिया, इन चारों के दरमियान थोड़ा सा स्पेस देना हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो इन चारों के दरमियान आपस में स्पेस आएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये आप जैसे कि देख सकते हैं, ये स्पेस मैंने कम करा, अभी लेफ्ट साइड में निकल गया, ठीक है, और ये स्पेस इनके दरमियान बढ़ाना होगा, ठीक है, इन चारों के, तो ये इसलिए होता है। सब एरे क्या होता है कि एरे सिर्फ डुप्लीकेट्स वगैरह के लिए होता है, और चीज़ों को अगर आपको लेफ्ट साइड पे ले आना है या राइट साइड पे ले आना है तब यूज़ होता है। अब इसकी मिसाल एक मैं आपको और बता देता हूँ। फाइल पे आते हैं, न्यू जर्नल, डाउन सेव, फर्स्ट करें मैं इसको स्केल करता हूँ ऐसे, ठीक है, और इसको आके यहाँ पे दे देता हूँ एरे, ठीक है, इसके स्टेप्स बढ़ा लेता हूँ, और इसको अगर मैं ऐसे रखता हूँ और थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ और स्पेस बढ़ा देता हूँ, तो एक जस्ट लाइक एक स्टेयर्स बन जाएगी, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना, आप सीढ़ियाँ भी बना सकते हैं, ठीक है जनाब। फाइल पर आते हैं, न्यू जर्नल और डोंट सेव। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगा बीबल मॉडिफायर के बारे में। देखें, एक मॉडिफायर तो इसके अंदर था, टैब अगर आप दबाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि इससे किनारे आप सेलेक्ट करते हैं और उसको एक किनारे को सेलेक्ट, एज सेलेक्ट करके उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब राउंडेड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, जितना करना चाहें यहाँ से राउंडेड कर दें, ठीक है। और एक मॉडिफायर होता है, जो हमारा मॉडिफायर होता है बीवल का, वो आएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐड मॉडिफायर पे। अच्छा, हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास मॉडिफायर की स्क्रीन है, यहाँ पे अगर नया आप ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे ये चेंज हो सकती है, ठीक है, तो घबराएगा नहीं, ऐड पाने के बाद आप आएंगे जनरेट पे और यहाँ से लेंगे आप बीवल। ये जो बीवल का मॉडिफायर है, ये चारों जगह पे, मतलब होल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। वो जो आप मॉडिफायर बीवल लेते हैं यहाँ से एडिट पे, तो वो एक वक्त में एक एज पे अप्लाई होता है, ये एक वक्त में सारे एजिस पे, सारे किनारे पे एक साथ अप्लाई हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आप इसकी अमाउंट बढ़ा सकते हैं कि कितना इसको बीवल दिखाना है, ठीक है, और अगर इसको आप किनारे को राउंड करना चाहें तो कितना राउंड कर सकते हैं। ये आप एक वक्त में पूरे पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे बीवल अप्लाई करने के लिए आप ये यूज करते हैं। फिलहाल ये एजिस पे हो रहा है, अगर आप वर्टिसेस पे करना चाहें तो वर्टिसेस पे भी कर सकते हैं, कितना करना चाह रहे हैं, ठीक है, पर ज्यादातर जो काम होता है इसका, वो हमारा काम होता है इसी पे, ठीक है, एजिस पे ही होता है, इस पे नहीं होता, वर्टिसेस पे, ठीक है ना। तो ये पूरी होल बॉडी के लिए बीवल मॉडिफायर है, ठीक है। फिलहाल मैं फाइल पाता हूँ, न्यू पाता हूँ, जनरल पे क्लिक करता हूँ, डोंट सेव। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं कि अगर बहुत सारे, अगर इसके अंदर ऑप्शंस बहुत सारे बीवल के भी, ठीक है, अगर मैं सब बताने बैठूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ इतना फोकस कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बूलियन मॉडिफायर क्या करता है। बूलियन मॉडिफायर बेसिकली ये करता है कि दो ऑब्जेक्ट को आपस में आप काट सकते हैं, मतलब एक दूसरे के, फर्ज करें ये स्क्वायर है और शिफ्ट ए करके अगर मैं यहाँ पे मैश में आके यूवी स्फीयर रख देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये एक सर्कल, ये जो सर्कल है इसका, स्फीयर का, इसको बीच से यहाँ से सर्कल कट हो जाए, ठीक है, तो एक दूसरे से कट करने के लिए और शेप को चेंज करने के लिए आप बुलियन यूज करते हैं। किस तरीके से, आपने लिया, क्योंकि जिस चीज को काटना है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, आपने क्यूब को सेलेक्ट करा, आप ऐड मॉडिफायर में जनरेट पाके अपने लिया बुलियन, ठीक है। अब आपने बोला कि इसमें तीन ऑप्शन आते हैं, इंटरसेक्ट, यूनियन और डिफरेंस, ठीक है ना, तो आपने फिलहाल डिफरेंस लिया और ये ऑब्जेक्ट पाके यहाँ क्लिक करेंगे तो ये स्फीयर को आपने सेलेक्ट करना है, चाहे तो स्फीयर सेलेक्ट कर लें, चाहे तो इसके जरिए भी, कलर पिकर के जरिए भी इसको सेलेक्ट करेंगे तब भी स्फीयर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एक एरो होगा, यहाँ से आके आप इसको अप्लाई करेंगे या कंट्रोल ए, ठीक है। अब आप देखें इसको जरा मूव कराएं तो ये देखेंगे कट चुका है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पे ये कट लग गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको अंडू करूँ, कंट्रोल जेड, ठीक है, और देखता हूँ आ गया आपसे, ओके आ गया। अब मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से स्फीयर लेता हूँ, यहाँ से मैं लेता हूँ यूनियन, और इसको करा मैंने अप्लाई, ठीक है, अब देखें क्या हुआ, ये इसके अंदर जुड़ गया,
ठीक है, ये अलग डुप्लीकेट है, इसको छोड़ दें, इसको बाद में डिलीट कर दीजिएगा, आपने इसको जोड़ना था, इसको जोड़ के इसको रख लीजिएगा, इसको डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है हमारे पास इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करता है, देखें इंटरसेक्ट पर आपने क्लिक करा तो क्या होगा कि ये इतना एरिया, इतना बॉक्स क्यूब का जितना एरिया इसके अंदर होगा सिर्फ वो रह जाएगा, बाकी पूरा क्यूब डिलीट हो जाएगा। इसको समझने के लिए यहां से आपने ये ले लिया स्फीयर, आपने करा इंटरसेक्ट पे क्लिक और आपने करा अप्लाई, ठीक है। अब इसको हटाएं तो देखें जितना एरिया इस सर्कल के अंदर था सिर्फ वो रह जाएगा, बाकी तमाम एरिया क्यूब का गायब हो जाएगा, ठीक है। फाइल पे आके न्यू जर्नल, डोंट सेव, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। अच्छा जी, अब बारी एक और मॉडिफायर की जिसका नाम है बिल्ड। बिल्ड क्या करता है कि अक्सर आपने एक एनिमेशन देखी होगी टीवी वगैरह पे कि जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं वो नीचे से जमीन से निकलना स्टार्ट होते हैं और वो बनते चले जाते हैं, लाइक इस तरीके से। कि अगर मैं इसको डिलीट कर दूं यहां से और शिफ्ट ए के साथ मैं यहाँ पे आता हूँ, एक यूवी स्फीयर ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मॉडिफायर पे आता हूँ और इसको जनरेट पा के मॉडिफायर देता हूँ बिल्ड। देखें गायब हो गया, कोई मसला नहीं, डरने की जरूरत नहीं, गायब हो गया तो कोई मसला नहीं। बट यहाँ पे देखें ये प्ले का एक ऑप्शन है और इस वक्त जो मेरा हैंडल है वो बंद हुआ है, यानी कि बंद से स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखें स्टार्ट फ्रेम वन, यानी कि पहले फ्रेम से स्टार्ट हो जो ये है, ठीक है, और कहाँ तक जाए 100 तक, ठीक है। तो 100 कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे। अब मैं प्ले करूंगा सिंपल तो देखें बनना स्टार्ट होगा, ठीक है, 100 पे आके खत्म हो गया। मैंने बोला यार 100 पे नहीं, इसको 50 पे कर दो, एंटर मारें, ठीक है। अब जब मैं इसको प्ले करूंगा तो ये 50 पे पूरा बन चुका होगा, ठीक है। हम इसको ऊपर से देख लेते हैं, अगर आप 7 दबाते हैं तो आप टॉप व्यू पे आ जाएंगे, आप प्ले करके देखें और ये 50 पे आके रुक जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं या एक काम करते हैं एकदम नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। और इसको भी यहाँ से डिलीट करता हूँ, शिफ्ट ए करता हूँ, शिफ्ट ए करके मैं मंकी लेता हूँ, ठीक है, और इसको जूम कर लेता हूँ, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ स्केल। अब इसको भी मैं मॉडिफायर में आके बिल्ड दे देता हूँ, जनरेट बिल्ड। अब इसको प्ले करके देखते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपने प्ले करा और ये बनना आपका स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये बिल्ड क्या करता है, सिंपल एनिमेट करता है आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को शुरू से आखिर तक, ठीक है। अगर आप रेंडोमाइज कर देंगे तो रेंडोमाइज से क्या होगा, आप देखते हैं कि आंखें बन रही थी, ठीक है। अगर आप देखें तो स्टार्ट कहाँ से होता है कि आइज बन रही है, मगर अगर आप रेंडोमाइज कर देंगे तो कहीं से भी अपने हिसाब से इसको बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है जी। तो ये इसका तरीकेकार। फिलहाल मैं फाइल पे आके न्यू जर्नल और डोंट सेव। अच्छा जी, अब बारी कैमरे की। कैमरा क्या होता है कि आपने अक्सर देखा होगा जब आपका इवेंट होता है, शादी होती है, बर्थडे होती है, या कोई भी ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे 4-5 दोस्त एक साथ होते हैं, ठीक है, कोई गैदरिंग होती है और आप चाहते हैं कि आप सबका ग्रुप फोटो हो और उस ग्रुप फोटो में आप सब मिलते हैं और उसके बाद कैमरा आपको क्लिक करता है तो आपकी यादगार रह जाती है। तो इसी तरीके से आखिर में अगर हम जब सब चीज़ें सेट कर लेते हैं, कोई मॉडल वगैरह बना लेते हैं और उसको हम आखिर में दिखना चाह रहे हैं कि रेंडर होने के बाद वो दिखेगा किस तरह, तो वो दिखता है कैमरे की आंख से, ठीक है जनाब। तो ये कैमरा यहाँ पे हमारे पास एक ऑटोमेटिक ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे कैमरे पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसने कैमरे ने आपको दिखा दिया कि जो लास्ट आपका जो आउटपुट होगा वो दिखेगा, ये पैर, स्पाइडरमैन का पैर, ठीक है ना। फिलहाल क्योंकि स्पाइडरमैन के पैर की तरफ हुआ है, हम दोबारा इस पर क्लिक करते हैं, बाहर आते हैं, इस कैमरे को सेलेक्ट करते हैं और इसको मूव कराते हैं थोड़ा दूर, ठीक है, थोड़ा ऊपर, ठीक है, और वन दबाते हैं, वन से वन, या हम इसको काम करते हैं, हम इसको 3 दबा के थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ओके सही आ रहा है, थोड़ा सा हमें निकलना पड़ेगा इसको ऐसे, रोटेट करके देखते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, इसको रोटेट करा लें। अब देखें ठीक है, परफेक्ट थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको दोबारा इस पर क्लिक करें और इसको एडजस्ट करने के लिए, इस बॉक्स के अंदर लाने के लिए आप इसकी सेटिंग में आएंगे, ठीक है ना। कैमरा सेटिंग यहाँ पे लिखी हुई है, ये कैमरा सेटिंग है, इसको कितने फोकल लेंथ में देखना है आप, ठीक है, शिफ्ट एक्स वाई लेफ्ट राइट मूव करना हो, वाई एक्सेस मूव करना हो, ठीक है, तो यहाँ से इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है,
दोबारा इस पर क्लिक करें, बाहर आ जाएंगे। ठीक है जनाब, तो ये होता है कैमरे का काम कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आखिर में आप आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, रेंडर पाके रेंडर इमेज, ये कैमरा आपको दिखा के इस तरीके से इमेज निकलेगा। फिलहाल हम स्केप से बाहर आ जाते हैं। हमें अगर एक और कैमरा ऐड करना हो तो ऐड पाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम दोबारा एक कैमरा और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं, तो फिर इस तरफ से भी आप इसको देख सकते हैं पीछे से कैसा लगेगा। अच्छा, ये उधर ही देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं मूव करके। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्लिक करेंगे कैमरा ये वाला एक्टिव करने के लिए आप आएंगे यहाँ पे। ठीक है, कैमरे पे क्लिक करेंगे, कैमरा वन, ये कैमरा अब एक्टिव हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये कैमरा आपका यहाँ से एक्टिव हो जाएगा। बैक साइड से इस पर आइएगा, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा कि आप कहाँ से दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, दोबारा इस पर क्लिक करें, कहाँ पे आएंगे, इस जगह पे, याद रखिएगा, सीन्स पे। सीन्स पे आने के बाद कैमरा लेंगे कि इस कैमरे पर आना है या इस कैमरे पर आना है। तो हमने कहा हम फ्रंट कैमरे पर आएंगे, ठीक है, इस वाले कैमरे पर। ठीक है, यहाँ उसके आप क्लिक करेंगे ऐसे, तो यहाँ से दिखा रहे हैं, आपने वाला कैमरा ले लिया तो ये बैक साइड से दिखाएगा। ठीक है जनाब, तो इस तरह आप मल्टीपल कैमरा ऐड कर सकते हैं। और इस बात को याद रखिएगा कि जो इस बॉक्स के अंदर चीज़ दिख रही होगी सिर्फ वही आउटपुट होगा, इसके बाहर, इस बॉक्स के दायरे के बाहर जो होगा वो आउटपुट नहीं होगा आपका। ठीक है, सिर्फ इतना ही हिस्सा आपको प्रिंट आउट होगा या मॉडल रेंडर होगा, इस बात का ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, आज की जो क्लास है वो हमारी बहुत 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 बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं एक रोबोट का हेड। ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब कंप्लीट रोबोट ही बनाएंगे, बट सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे रोबोट के हेड से। बहुत आसान है, बहुत हलवा है, ठीक है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। करना कराना है क्या, करना कराना आपने कुछ भी नहीं। सबसे पहले आपने यहाँ से लाइट की आई क्लोज करनी है और कैमरे की आई क्लोज करनी है। ठीक है, ये सब मैं पुराने पार्ट्स में पढ़ा चुका हूँ कि क्या किस तरह कैसे होगा। अगर आपने नहीं इसको देखा पुरानी क्लासों को मेरी, तो जाके इसको देख लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे रोबोट किस तरह बनता है, बहुत आसान है, तो आइए ट्राई करते हैं बहुत इजी तरीके से। अच्छा जी, सबसे पहले आपने करना है कि आपने दबाना है यहाँ से वन, ताकि फ्रंट फेस सामने आ जाए। ठीक है, चाहे तो आप इस तरह कर लें, चाहे वाई पा के, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई, माइनस वाई पे क्लिक करेंगे तब भी यहाँ पे देखें फ्रंट फेस आ जाएगा। ठीक है, अब आपने करना है कि इसको यहाँ से क्लिक करना है और इसको उठा के थोड़ा सा आप ऊपर ले जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि नहीं? अच्छा जी, अब जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे करना है। आपने सबसे पहले बीच का जो व्हील है उसको दबा के हल्का सा इसको ऐसे कर लेना है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इस तरीके से आ जाए। ठीक है, अब आप यहाँ पर आएंगे, सब डिविजन सरफेस लेंगे यहाँ से ऐड मॉडिफायर के ज़रिए। ठीक है, डिफॉर्म पर आएंगे और यहाँ से लेंगे सब डिवीजन सरफेस, सॉरी सॉरी सॉरी, जनरेट पा के सब डिवीजन सरफेस लेंगे। ठीक है, और यहाँ से इसका लेवल व्यू पोर्ट कर देंगे टू, थोड़ा सा स्मूथनेस की टू हो जाएगी। ठीक है, वन दोबारा दबा के देखें कि सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, थोड़ा सा जूम कर लें, थोड़ा सा ऐसे कर लें। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आएंगे आप एडिट मोड पर। जब आप टैब दबाएंगे तो आपका एडिट मोड हो जाएगा। और अगर मैंने पुरानी क्लासों में एक दिन बताया होगा कि ये क्या होता है, कि ओरिजिनल में आपका शेप ऐसा था जैसे ही ऑरेंज आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जब आपने इस पर मॉडिफायर अप्लाई करा, ठीक है, अगर मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसा था। ठीक है, ये मैंने डिस्प्ले यहाँ से रियल टाइम डिस्प्ले बंद करा तो ये ऐसा था। उसके बाद जब आपने सब डिविजन सरफेस इस पर अप्लाई करा तो ये ऐसा हो गया। और इसके ऊपर असल में दिखाता है कि पहला ऐसा था, मतलब ये पहले की भी चीज़ दिखा रहा होता है कि भाई ये इस तरह था और आपने इसकी शेप सर्कल बना दी। अब आपने क्या करना है, गौर से देखिएगा, यहाँ से आप लेंगे स्केल टूल। ठीक है, इसको रेड कलर से पकड़ के थोड़ा सा बड़ा करेंगे ऐसे, थोड़ा सा ऐसा बड़ा करेंगे ऐसे, इसको घुमाएंगे बीच, जो आपका बीच का व्हील है सेंटर व्हील, और उसको थोड़ा सा अंदर कर देंगे ऐसे। ठीक है, और उसको घुमा के ऐसे ले आएंगे दोबारा शिफ्ट, और बीच के सेंटर व्हील से इसको दबा के मैं आ ले आऊँगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि नहीं आपको? अच्छा जी, अब क्या करेंगे, आप टैब दबाएंगे एडिट, सॉरी एडिट मोड के अंदर तो है ही आप। ठीक है, एडिट मोड में रहेंगे और ये दो कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, ये दो कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और स्केल लेके इसको थोड़ा सा अंदर करेंगे ऐसे। ठीक है, और थोड़ा सा इसको मूव टूल के ज़रिए नीचे करेंगे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि सेम मेरे जैसा ही आप बना रहे हो। ठीक है, रिजेम्बलेंस होनी चाहिए, मतलब मिलता जुलता बनाए, सेम डिट्टो बनाने की ना ज़रूरत नहीं है, ना भी बने तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसको घुमा के आपने देख लिया। ठीक है, यहाँ से ओके। जब सीन ऐसा है कि अगर मुझे इसके फेस को सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा फेस को सेलेक्ट करना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आएंगे ऑब्जेक्ट मोड में,
ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद देखिए, अगर हम एडिट मोड में होते हैं ना, तो ये बॉक्स के फेस मोड को सेलेक्ट कर रहा है, ये अंदर के फेस मोड को सेलेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो अब इनको हम एक क्या करते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे कैसे, हम इसको ऑब्जेक्ट मोड पे आएंगे और यहाँ पे कमांड देंगे अप्लाई, अप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, जब हम एडिट मोड में आएंगे तो जो ऊपर का बॉक्स आ रहा था वो खत्म हो गया। अब हम ऊपर से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, देख रहे हैं हम। अब ये ऊपर के फेसेस इसके सेलेक्ट हो रहे हैं ईजी तरीके से, ठीक है जनाब। यहाँ तक समझ में आ गया हो किरण। अब आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। अब आपने करना है क्या है कि एडिट मोड में आप हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप इसका इतना एरिया सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, नीचे का ये एरिया। बट मुझे लग रहा है सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ का तो हो रहा है बट ये पीछे का नहीं हो रहा है। ये बात आपके समझ में आ रही ना। अब आपने उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले तो यहाँ से आप ले लें ये, ठीक है, मोड। कौन सा मोड है ये, लिखा हुआ भी आ रहा है, वर्टेक्स, ठीक है। आपने इतना वर्टेक्स सेलेक्ट करा पर पीछे का सेलेक्ट नहीं हुआ, कोई मसले की बात नहीं। यहाँ पे होता है एक्सरे, मैंने आपको एक्सरे का ऑप्शन बताया था, टॉगल एक्सरे, उसका अल्ट्रा जेड की भी आ रही है, ये दबाएंगे तो आर पर आपको दिखेगा। अब जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा यहाँ से आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। अब आप इसको स्केल कर दें ऊपर से थोड़ा नीचे, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट करेंगे ऐसे, ठीक है, इतना। अच्छा, ज़रूरी नहीं आपके हसबे जायके के आप इसको कितना ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर है, ठीक है। इसको मैं जैसे यहाँ से थोड़ा सा नीचे करूँगा, एक शेप दूंगा, ये सब आपके अपने ऊपर है, ठीक है ना। जितना मैं कर रहा हूँ उतना कर लें, या थोड़ा सा ऊपर नीचे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि सिंपल, सबसे पहले तो यहाँ से वायर फ्रेम ख़त्म करें, यहाँ से फेस ले लें, इसको क्लिक करें शिफ्ट के साथ, इस पे शिफ्ट के साथ, इस पे शिफ्ट के साथ, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इन सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इन सबको सेलेक्ट करा, यहाँ से स्केल लिया, इसको थोड़ा सा आपने पिंच करके हल्का सा ऊपर से दबाया, और एरो के ज़रिए इसको थोड़ा सा नीचे करा, फिर उसको आपने घुमाया इस तरह, फिर आपने स्केल लिया, इसको थोड़ा सा आपने यूँ करा इस तरह, ठीक है जी। और आपने एरो लेके थोड़ा सा इसको पीछे भी कर दिया, थोड़ा सा आपने इसको अब ऐसा घुमाया, ठीक है, ये सब सेलेक्ट होने चाहिए। अच्छा, इसको पकड़ के जब आप टूल्स को खींचेंगे ना, तो यहाँ पे ये बढ़ जाएंगे और यहाँ पे नाम भी आ रहे होंगे, ठीक है। अगर ये मैंने नहीं बताया पुरानी क्लासों में तो आप सुन लीजिएगा। एक्सट्रूड, यहाँ से रीजन लेंगे आप, ठीक है, और ये आपके पास एक्सट्रूड रीजन होना चाहिए, ठीक है। इसको पकड़ के हल्का सा आप अंदर की साइड पर करेंगे, 2 मिनट, इसको थोड़ा सा यहाँ रखें, यहाँ से आपने एक्सट्रूड रीजन ले लिया। उसके बाद आप ई दबा के थोड़ा सा इसको अंदर करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, बाहर नहीं करना, अंदर की साइड इसको ढकेलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो गया। ई दबाएं दोबारा, हल्का सा इसको अंदर करें ऐसे, ठीक है, काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा और करके देख लेना, थोड़ा सा ऐसे, ओके जी, इतना काफ़ी है, इतनी शेप हमारे लिए काफ़ी है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ से लेना सीधा सीधा स्केल, इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के अंदर की साइड करा, ठीक है, और इसको मूव करा और थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर दिया, ठीक है जी। ये आपका बन गया एक फेस। अगर आपको ये लगता है कि फेस बहुत अंदर चला गया है, तो आप इसको पकड़ के मूव के ज़रिए थोड़ा सा बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हसबे जायका इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना मुझे सही लग रहा है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, एडिट मोड से बाहर आऊँगा, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट मोड पे आता हूँ, इसको मैं एक दोबारा एड मोडिफायर करता हूँ, यहाँ पे आके सब डिवीजन सरफेस दूंगा, ठीक है। कहेंगे सब डिवीजन सरफेस, जनरेट में आएंगे सब डिवीजन सरफेस, और इसको यहाँ से कर देंगे 2, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, देखेंगे चेहरे का लुक आ गया एलियन टाइप का, थोड़ा हाँ अलग तो रहा है एलियन टाइप का। अच्छा, मुझे यहाँ पे लग रहा है जो इसके किनारे हैं इसमें डबल डबल शेड आ रहे हैं, और ये प्रॉपर एज नहीं बनी इसकी, तो कोई मसले की बात नहीं है। अब आप करते क्या है कि आप आ जाएं एडिट मोड पे यहाँ पे, ठीक है, सिंपल, और थोड़ी देर के लिए यहाँ से इसका ये हटा दें, गायब कर दें, ताकि ये नॉर्मल हो जाए। इस पर जो आपने सब डिवीजन सरफेस हटाया, इसको थोड़ी देर के लिए गायब करें यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से आप लेंगे एज, ठीक है, ऑल्टर क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट दबा के ऑल्टर के दबाएंगे, अब ये सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा रहना चाहिए, ऑल्टर दबा रहना चाहिए, यहाँ क्लिक करेंगे और ये किनारे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये एक ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे होता है कॉर्नर पे ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ओहो हट गया, ये दोबारा से सेलेक्ट करें, दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से, ये एन टूल दबाएंगे तब भी खुल जाएगा, ठीक है, इस तरह एन से आता भी एन से जाता भी है, ठीक है। तो इसको आपने क्लिक करा, ट्रांसफॉर्म पे आप आए, यहाँ पे देखिए मीन क्रीज लिखा हुआ है, इसकी क्रीज बनानी है हमने, तो हमने इसको बंद करके एंटर मारा, ये इसकी क्रीज बन गई। अब हम जब इसका यहाँ से ऑन करेंगे तो आप देखेंगे प्रॉपर जनाब, प्रॉपर क्रीज बनी हुई है, ठीक है जनाब, और से देखिए प्रॉपर इसकी क्रीज आई है, वाह क्या स्मूथ आया। अच्छा, अब हम इसका एक नाम दे देते हैं, क्यूब लिखा हुआ है, इस पर डबल क्लिक करते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं फेस, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आगे हम एडिट करेंगे तो हमारे बहुत काम आएगी। और इसको सेव कर लीजिएगा, ताकि अगर ये हम डिलीट भी हो जाए, लाइट चली जाए, कुछ भी मसला हो, तो ये यहाँ तक फाइल सेव रहे आपके पास। अच्छा जी, रोबोट जो फेस है बड़ा सादा खुशबू लग रहा है, अब हमें इसको कलर देना है,
तो कलर देने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल इस फेस को सिलेक्ट कर लें और आप यहाँ पे मटेरियल का एक ऑप्शन है। मटेरियल क्या होता है, अगर मैंने पिछली क्लासों में बताया, अगर आपको नहीं मिलता पहले तो फिलहाल देख लीजिएगा कि पिछली क्लासों में होगा, अगर आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर नहीं मिले तो टेंशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं थोड़ा सा बताया, तो मटेरियल होते हैं जस्ट लाइक अ कलर, ठीक है। अगर आपको कलर देना है, इस वक्त मटेरियल जो है सादा खुशबू है, यानी कि ग्रे कलर यहाँ पर सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ से बेस कलर, ठीक है। और इस बेस कलर को ही सिलेक्ट करके यहाँ से मैं कलर ले लेता हूँ इसका ब्लू, ठीक है। अब मैंने ब्लू कलर तो ले लिया, अब आपने बोला यार ब्लू कलर तो आया ही नहीं, कोई मसले की बात नहीं, यहाँ पे आप ये तो करें, जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे शेडिंग मोड, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कलर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा रफनेस इसकी कम करनी है, रफनेस कम करेंगे तो देखें थोड़ा सा मेटेलिक लुक आएगा इस पर, ठीक है। अच्छा, अगर ये मेटेलिक लुक इस तरह ना आए तो राइट क्लिक करके शेड स्मूथ ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ये स्मूथ हो जाए, ठीक है जनाब। यहाँ तक तो हो गया, कलर चेंज करना चाहें तो दोबारा कर सकते हैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी से, मैंने यही वाला ले लिया, ठीक है। अब मैं एक नया कलर बनाऊंगा, दोबारा प्लस पे क्लिक करूंगा, न्यू करूंगा, इसका नाम दे दूंगा फेस, ठीक है जनाब। एडिट मोड में आऊंगा और यहाँ से फेस सेलेक्ट करके ये वाले चीज़ें ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, फेस कलर लूंगा और यहाँ से कलर ले लूँगा ब्लैक, ठीक है, और असाइन कर दूँगा ऐसे, ये असाइन करना ज़रूरी है। अब मैं जब दोबारा टैब दबाऊँगा, बाहर आऊँगा, तो देखें कलर इस पर अप्लाई हो चुका है। इसको भी थोड़ा सा आप रफनेस देते हैं, तो ये देख रहे हैं खूबसूरत, बेहतरीन बेहतरीन सा आपका ये फेस तैयार है रोबोट का। अब इसकी आइस में भी कलर होगा और माउथ पे भी कलर होगा, ठीक है जनाब। और इसके आई का कलर देने के लिए आप आई पे क्लिक करेंगे, फिर मटेरियल पे आएंगे, मटेरियल पे आप आए में न्यू पे क्लिक करके एक नया इस पे कलर देंगे आप, ठीक है। इसका नाम पहले तो यहाँ से लिख दें लेंस, लेंस कलर, ठीक है। और यहाँ से येलो कलर ले लें आप, ठीक है। ये आपने इसको लेंस कलर दे दिया, ठीक है। येलो थोड़ा सा हल्का और लाइट ले लेते हैं, ये सही है। रफनेस की भी कम करते हैं थोड़ी सी, और इसको राइट क्लिक करके शेड स्मूथ दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इमेशन में आते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी आपने कलर येलो ले लें, ठीक है। थोड़ी सी इसकी स्ट्रेंज बढ़ा लें, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। चाहे तो आप खुद से भी खेल के देख सकते हैं कि यार कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये भी आप खुद करके देख सकते हैं, मेटेलिक भी थोड़ा सा देख लें अच्छा लग रहा है, ठीक है। इमेशन थोड़ा सा इसको कर देता हूँ मैं 6 करके देखता हूँ, नहीं बहुत हल्का हो गया थोड़ा सा इसको, ये सही लग रहा है, हाँ ये सही लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब यही सेम कलर, यही येलो कलर मुझे इसके माउथ पे देना है, तो क्या करें यार, इसका माउथ सेलेक्ट करें सबसे पहले, ठीक है। इसका मुझे यही कलर देना है, तो सेम तो मैं बना नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखें ये कलर मैंने ऑटोमेटिक बनाया हुआ है लेंस का, इस नाम से आ भी रहा है। आपने सिंपली यहाँ पे लेंस पे क्लिक करा, ये कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा, सेम कलर इसके चेहरे पर फेस पे अप्लाई हो गया, ठीक है जी। यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया और मैंने सेव भी कर लिया। आप इसकी ज़रा खूब प्रैक्टिस करें, बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं रोबोट की बॉडी। हो सकता है मेरा रोबोट का फेस थोड़ा सा चेंज लग रहा हो आपको, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। फेस इतना ही बना था जो लास्ट टाइम हमने बनाया था, मैंने थोड़ी बहुत उसमें मॉडिफिकेशन करी, बट इट्स ओके। जितना मैंने आपको उतना सिखाया है पुरानी क्लास में, उसको उतना ही रखिएगा, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, सबसे पहले तो आपने दबाना है यहाँ से वन, और वन दबाने के बाद आप फ्रंट पे आ जाएंगे और उसको थोड़ा सा आप सेलेक्ट करके पूरे को ऑब्जेक्ट मोड में रहते हुए ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आप दबाएंगे शिफ्ट ए और यहाँ से आप लेंगे क्यूब, क्यूब ले लिया और दोबारा वन दबा के आप आ जाएंगे इस पर, क्योंकि अब इसकी बॉडी बन रही है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें आप यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर लें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले तो आप ले लें एडिट मोड, थोड़ा सा इसको घुमाएं बीच वाले माउस के ज़रिए, ठीक है, और इसको इतना सेलेक्ट करें, इतने एरिया को सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। और इसको आप कर लेंगे स्केल, बल्कि एक काम करें, ये ना करें, आप दोबारा आए ऑब्जेक्ट मोड में, ठीक है, पहले स्केल ले लें और उसको थोड़ा सा पतला करें, ऐसे, और थोड़ा सा आपको इसको छोटा करना पड़ेगा, बॉडी थोड़ी सी छोटी होगी, ठीक है, और थोड़ी सी पतली होगी, ऐसे करके, ठीक है। बंद दबा के दोबारा फ्रंट पे आ जाएं, इसको ऊपर मूव करा लें ऐसे, और स्केल के जरिए थोड़ा सा उसको लंबा कर लीजिएगा, इतना काफ़ी है। मूव करा के थोड़ा सा नीचे ले आए, यहाँ रखें, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा।
अच्छा जी, इसको थोड़ा सा मूव करें। अब आप आ जाते हैं एडिट मोड के अंदर, ठीक है, और यहाँ से आप ले लेते हैं ये वाला ऑप्शन, ठीक है, शेडिंग मोड, ठीक है। और पहले शेडिंग मोड हटाएं, इसको तो नॉर्मल करें यार, पहले तो इसको यहाँ से हटा के काम करेंगे, अलग देते हैं, ठीक है, शेडिंग मोड। और याद रखिएगा आपके पास ये एक्सरे मोड ऑन हो, ठीक है, इसको आप नीचे से सेलेक्ट करेंगे इतना एरिया, और आपके पास सेलेक्ट करने का वर्टिसेस सेलेक्ट कीजिएगा पहले वर्टेक्स, ठीक है, और इसको इतने से सेलेक्ट करने के बाद स्केल करेंगे आप थोड़ा सा कम, ठीक है, ऐसे। और अब आप यहाँ पे करेंगे कंट्रोल आर, यानी कि लूप कट। मैंने आपको लूप कट की क्लास में बताया था कि लूप कट क्या होता है, ठीक है, पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। लूप कट पर आपने क्लिक करा और यहाँ पे आके बीच में इस तरह खड़ा लूप कट लेना, और दो मरतबा इसको कंट्रोल के साथ आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, या आप कंट्रोल आर से भी इसको लूप कट लगा सकते हैं। प्लस आपने कंट्रोल आर दबाया है यहाँ से, ठीक है, और कंट्रोल आर दबा के क्लिक यहाँ कर दिया आपने, ये डबल कर दिया मैंने, सॉरी मैम, स्टिक, कंट्रोल आर दबाइएगा, ठीक है, क्लिक करा, ये ऑप्शन खुलेगा, इसको दो कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो दो हिस्सों में कट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा सेलेक्ट कर लें, ये दो हिस्से सेलेक्ट हो गए, अल्टर क्लिक के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट अल्टर क्लिक के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब आपने सबसे पहले तो शेडिंग मैन करनी है, ठीक है, एक्स रिमोट यहाँ से क्लोज करा, ठीक है, यहाँ से आपने लिया स्केल, इसको थोड़ा सा इस तरह करा ऊपर की साइड पे, और थोड़ा सा वाई एक्सेस करा इस तरह, ठीक है, ये आपका लुक एंड फील आ गया। अच्छा जी, दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में आके थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लूँ, थोड़ा सा नीचे करा मैंने, ठीक है। दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ, टैप दबाता हूँ, या एडिट मोड पर इस तरह भी आ सकते हैं। अब आप दोबारा कंट्रोल आर दबाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा आपने इसको स्केल करा इस साइड ऐसे, और थोड़ा सा आपने स्केल करा इस साइड, और थोड़ा सा आपने इसको ऊपर की तरफ उठा लिया ऐसे, ये आपका कुछ बॉडी टाइप का शेप आ गया। अच्छा जी, अब क्या करना है आपने, दोबारा कंट्रोल आर करना है, ठीक है, एक क्लिक करके आपने इसका दो सेगमेंट बढ़ा लिए, और इसको थोड़ा सा यहाँ से खींचना है ऐसे, ताकि थोड़ा सा राउंड शेप हो जाए इस तरीके से, सीना भी तो चौड़ा दिखना चाहिए ना यार। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट मोड पे आते हैं, और ऑब्जेक्ट मोड पे आने के बाद अब मैं आता हूँ मॉडिफाइज पर, ठीक है। अब आप मॉडिफाइड देंगे सब डिवीजन सरफेस, सही है, यहाँ से आप देंगे सब डिवीजन सरफेस, कहाँ गया यार, जनरेट पे आने के बाद आप यहाँ से देंगे सब डिवीजन सरफेस, और इसको कर देंगे टू, ये टू हो गया, तो थोड़ा सा बॉडी इसकी स्मूथ हो गई, ठीक है ना जनाब। अब आप दोबारा से यहाँ पे एडिट मोड में आ जाए, ताकि हम थोड़ा सा उसको और रियलिस्टिक बनाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ से दूसरा वाला ले लिया, ठीक है, इसका नाम है आपको पता है एज, ऑल्टर क्लिक करा, इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया एक साथ इस तरीके से। अच्छा, अब हम यहाँ से लेंगे बीबल, और इसको थोड़ा सा खींच के बड़ा करते हैं ऐसे थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ से आएंगे एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड लेंगे हम यहाँ से अलॉन्ग नॉर्मल्स, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम अंदर की तरफ करेंगे ऐसे, देख सकते हैं आप, थोड़ा अंदर करेंगे तो ये इस तरह अंदर की साइड जा रहा है ऐसे। अच्छा, ज्योमेट्री को जो इसका शेप को ज़रा और सही से देखना है, तो यहाँ से कंप्यूटर पे क्लिक करें, ताकि आपको दिखे, पता चले कि हाँ यार ये किस तरह शो हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, ओके। पर मुझे थोड़ा सा इसको और शार्प करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं आऊँगा, थोड़ा नज़दीक आ जाता हूँ यहाँ पे, ऑल्टर क्लिक करूँगा इस पर, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, और शिफ्ट ऑल्टर इस पर भी क्लिक करूँगा, तो ये भी यहाँ से भी ऊपर नीचे से सेलेक्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मैं इसको और शार्प करना है, यहाँ पे लिखा होगा मीन क्रीज, क्रीज को मैं कर दूंगा बिल्कुल वन, फिर शार्प हो जाएगी, ठीक है। दोबारा मैं कंप्यूटर पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा शार्प हो गई है, और ये इसी तरह शार्प होनी चाहिए, ठीक है ना जनाब, ज़बरदस्त हो रहा है। अब हमने क्या करना है, हम ऑब्जेक्ट मोड पर आएंगे, ए दबाएंगे, पूरे जितने भी ऑप्शंस हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, राइट क्लिक कीजिएगा, शेड स्मूथ बाय एंगल, शेड स्मूथ, फ्लैट स्मूथ, ये लिखा हुआ होगा आपके पास, आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ करना है, और ये आपकी दोनों चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, ठीक है जनाब। वाह जी वाह, ज़बरदस्त हुई है। तो अच्छा, मैं ज़रा इनका नाम दे दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्यूब वन लिखा है, मज़ा नहीं आ रहा, तो उसका नाम दे देते हैं हम बॉडी, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं फेस, ठीक है, गुड हो गया। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा इसको ऊपर ले आते हैं, ठीक है, बंद दबा के देख लेते हैं, सही है, चारों तरफ से ओके, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक तो उसकी बॉडी बन गई, अब मुझे इसके आर्म्स बनाने हैं, मतलब यानी के हाथ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए करेंगे, ठीक है। शिफ्ट ए करने के बाद यहाँ पे हम मैश पाएंगे, और यहाँ से लेंगे यूवी स्फीयर,
ठीक है, यूवी स्फीयर आ गया, थोड़ा सा इसको ऐसे करा, थोड़ा सा इसको यहाँ करा, लेफ्ट पे स्केल से इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, और एक नंबर दबाएंगे तो फ्रंट पे आ जाएंगे, इसको उठा के थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे स्केल से थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। आपने अपने हसबे जायका करना है, ठीक है, इसको हमने ऐसे रखा, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। अब हम इसको रोटेट करेंगे, रोटेट टूल लेंगे और कंट्रोल दबा के इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री। देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ और आप इधर देखिएगा, यहाँ पे इस साइड पे जब मैं घुमाऊँगा, देखिए यहाँ पे नंबर आ रहे होंगे, रोटेशन थोड़ा सा अंडू कर दूँ पहले मैं इसको कंट्रोल के साथ घुमाऊँगा तो यहाँ पे रोटेशन बनी हुई आएगी। तो यहाँ पे जब आके रुके 90 पे तो उसको रोक दीजिएगा, -90, ठीक है, ये प्रॉपर रोटेशन हो गई है इसकी 90 डिग्री। या फिर कंट्रोल सेट करें, यहाँ वाई पे आके इसको आप -90 दीजिएगा, तब भी ये रोटेशन 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है जनाब। अब हमने क्या करना है, इसको लेना है एडिट मोड के अंदर आके। एडिट मोड पर आने के बाद हम इसके वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे, इतना एरिया सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, उससे पहले आपने इसको एक्सरे मोड कर लेना है, ठीक है, एक्सरे मोड पे क्लिक करा, इतना एरिया हमने सेलेक्ट करा, ठीक है, और हम दबाएंगे ई, ई के ज़रिए इसका हाथ थोड़ा सा निकलेगा इधर, ठीक है, यहाँ तक, और अगर आपको लग रहा है कि हाथ बड़ा हो गया है तो मूव टूल के ज़रिए इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसको इतना कर दिया, ठीक है। अब एक्सरे मोड ख़त्म करेंगे और आ जाएंगे दोबारा ऑब्जेक्ट मोड पे, ठीक है। अब इसको हमने सेलेक्ट करा, इसका नाम हमने दे दिया डबल क्लिक करके, राइट अंडरस्कोर आर्म, ठीक है, और इसको कंट्रोल सी करा, कंट्रोल बी करा, और उसको हमने आगे मूव करा लिया तो उसकी डुप्लीकेट बन गई, तो हमने इसको यहाँ रखा, ठीक है, और एस दबा के स्केल करेंगे और थोड़ा सा छोटा करेंगे, थोड़ा सा उसको छोटा कर दिया आपने, इसको यहाँ रखा। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, सिंपल के वन दबाएं, फ्रंट पे आ जाएं, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लें, ठीक है, और आपने इसको स्केल करा था थोड़ा, तो ऑब्जेक्ट पे आके, सही है, सेलेक्ट, सॉरी कहाँ रह गया टूल, ओके, ऑब्जेक्ट अप्लाई, और इसको स्केल कर दीजिएगा, ये करना ज़रूरी है। क्यों करना ज़रूरी है, अप्लाई द ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म टू इट्स डाटा, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, अगर नहीं पता तो छोड़ दें, बस फिलहाल इसको अप्लाई टू स्केल कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप करेंगे एडिट मोड पे, दोबारा आ जाएंगे एडिट मोड से, आने के बाद यहाँ पे आप इस बीच वाले पे क्लिक करेंगे एच पे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा घुमा लीजिएगा मिडल माउस से, और ऑल्टर क्लिक करेंगे तो ये एरिया सेलेक्ट हो जाएगा बाहर का। स्केल दबा के थोड़ा सा आप इसको बड़ा कर सकते हैं ऐसे, तो ये कुछ इस तरीके से बड़ा हो गया, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको बड़ा कर लीजिएगा, कि सही लग रहा है या नहीं लग रहा है वो देख लीजिएगा आप। अच्छा जी, इसके अलावा स्केल मैंने कर लिया, आप थोड़ा सा पकड़ के इसको मैं आगे भी करूँगा, ये देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको ऐसा आगे करूँगा, ये हो गया बेहतरीन। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि इसको जूम कर लें, ऑल्टर क्लिक करें, यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया, यहाँ से इसको स्केल करें ऐसे, और मूव के ज़रिए इसको यहाँ पे लिया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा आपको फिर बड़ा करना पड़ेगा ऐसे। हाँ जी, अब परफेक्ट हुआ है, कुछ बेहतरीन हो गया ये। इसके अलावा अब आपने क्या करना है, एडिट मोड में आप हैं, कंट्रोल आर दबाएंगे, ये लूप कटा देगा, एक क्लिक करें, ठीक है, उसके बाद ऐड क्लिक करें ताकि एडजस्ट हो जाए, और एस दबा के स्केल करके थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेंगे आप, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ से बेवल टूल लीजिएगा और उसको पकड़ के थोड़ा सा आगे कीजिएगा ऐसे, ठीक है, और उसके बाद नीचे इस टूल पे क्लिक करके बेवल का ऑप्शन खोलूँगा मैं, और सेगमेंट इसके कर दूँगा 5, 5 कर दें, 6 कर दें, जो आपका दिल करे, ये आपके अपने ऊपर है। अच्छा जी, अब क्या करना है, आपने ये ऑल्टर क्लिक करना है यहाँ किनारे पे, और यहाँ से बेवल लेना है और उसको थोड़ा सा आपने खींचना है ऐसे, ये इस तरह हो जाएगा, फिर इधर आना है, ऑल्टर क्लिक करना है, यहाँ से बेवल आपने लिया हुआ है, इसको भी पकड़ के आपने खींच के कुछ ऐसा करना है, ठीक है ना, बेहतरीन स्टाइल का हाथ लग रहा है ये वैसे, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब यहाँ से आप ऑब्जेक्ट मोड ले लें, इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, शेड ऑटो स्मूथ कर दें, ठीक है, ये भी हाथ ऑटो स्मूथ हो जाएगा, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब सीन ऐसे हैं कि आपने इसका पूरा आम बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं और इसको फ्रंट फ्रंट पे ले लेते हैं, वन नंबर दबाएं तो ये फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ आ गया,
शिफ्ट ए कीजिएगा। शिफ्ट ए करने के बाद मैश में आएंगे और यहाँ से वीवी स्फीयर ले लेंगे। इसको थोड़ा यहाँ रखा, थोड़ा यहाँ रखा। एस दबाया स्केल, इसको थोड़ा सा छोटा करा, थोड़ा यहाँ लेके आए, थोड़ा सा यहाँ लेके आए, थोड़ा यहाँ, थोड़ा जूम कर लें इसको, स्केल से थोड़ा सा और बड़ा कर लें, यहाँ रखें, थोड़ा छोटा करें इसको, थोड़ा अंदर लेके जाएं इसको यहाँ पे। अब घुमा के देख लें, ठीक है, थोड़ा सा और इसको अंदर की साइड ले जाएं। चलें, यहाँ तक काफ़ी हो गया, ठीक है। बंद दबा के दोबारा फ्रंट पर आ जाएं, शिफ्ट ए करें। यहाँ सब आप लेंगे क्या, क्यूब। क्यूब लेने के बाद इसको यहाँ रखें, ऊपर लेके आएँ, यहाँ थोड़ा नीचे रखें, थोड़ा इस तरफ लेके जाएँ, स्केल से छोटा कर लें, थोड़ा जूम करें, यहाँ पे आएँ। अब यहाँ से स्केल लेके इसको थोड़ा सा ऐसा कर लिया आपने, ठीक है, थोड़ा सा मूव करके ऊपर लिया ऐसे। अब इसको देखें, ओके, गुड लुक आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करें। अच्छा जी, सबसे पहले आप क्या करना है कि आपने इसको और इसको सेलेक्ट कर लेना है, ऑब्जेक्ट में आना है, अप्लाई पे आना है और स्केल अप्लाई कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आना है एडिट मोड में, यहाँ से लेना है ये वाला, ठीक है, एज, और इसको सेलेक्ट करा शिफ्ट के साथ, इसको सेलेक्ट करा और इसको थोड़ा सा आपने स्केल कर लिया, ठीक है, ऐसे ए दबा के सेलेक्ट ऑल कर लें। बेवल पे आ जाएं, थोड़ा सा इसको ऐसे करना है आपने, ठीक है। ये शेप दे दिया आपने और यहाँ से इसकी जो सेगमेंट है इसको 3 कर लिया आपने, ठीक है, सेट हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम आ जाएंगे दोबारा ऑब्जेक्ट मोड के अंदर, ठीक है, बंद दबाएंगे, थोड़ा सा इसको आगे लेके आएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मैं इस बॉल को मूव कराऊं तो ये इसका पाम, यानी कि जहाँ आते ही मूव हो, ठीक है ना। ये तो अगर अभी आप इसको रोटेट करें तो इस तरह मूव होता है, ठीक है ना। मुझे ये नहीं कराना, मैं इसको मूव कराऊँ तो ये मूव हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस पर क्लिक करूँगा और शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करूँगा। तो आप देखें यहाँ पे 2 कलर चेंज हो रहे हैं, ये ऑरेंज है और ये येलो है। तो जो सबसे आखिर में कलर सेलेक्ट होगा ना, तो वो ज्वाइंट करना है, वो ज्वाइंट होगा इसके साथ, ठीक है, और वो मूव होगा। मतलब हमें आखिर में हमेशा सर्कल को सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें इसको मूव कराना है, तो ये मूव हो। तो उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में आऊँगा और यहाँ से करूँगा ज्वाइन, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जे। जैसे मैं ये करूँगा, अब मैं अगर इस बॉल पे या किसी पे भी क्लिक करता हूँ, उसको रोटेट करता हूँ, तो आप अपनी कुंवारी आंखों से देखेंगे कि ये इस तरह मूव हो रहा है। क्या बात है जी, कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब हम इस पर राइट क्लिक करके शेड आउटर स्मूथ कर देते हैं और इसका नाम दे देते हैं हैंड और राइट, इंटर मार दें ताकि ये याद हो। अच्छा जी, अब ये तो उसका पाम बन गया, मतलब हाथ बन गया, हाथों की उंगलियां भी बनानी है हमने, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए करेंगे, ठीक है। शिफ्ट ए करने के बाद यहाँ से हम ले लेंगे क्यूब, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, ठीक है, और इसका स्केल थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। और एडिट मोड में आते हैं टैब दबा के, ठीक है, और उसके बाद इसको हम बीबल करते हैं और इसको यहाँ से सेगमेंट 3 कर देते हैं, 3 या 4 आपकी मर्ज़ी से कर दीजिएगा, ठीक है। अब टैब दबा के बाहर आ जाते हैं, शिफ्ट ए दबाते हैं, यहाँ से हम लेते हैं सिलेंडर। सिलेंडर लेने के बाद पहले बंद दबाएं इसको, आप बंद लेने के बाद देख लें, ओके है ये, फिर ओके सही है। अब हम इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे इस वाई एक्सिस पे, कंट्रोल के साथ इसको आप रोटेट कीजिएगा, ठीक है, 90 डिग्री, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है ऊपर, ठीक है। अब मूव के ज़रिए आप इसको मूव कराएं, यहाँ पे स्केल से थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठाएं इसको, यहाँ मिला, बंद से करके देखें सेट है, थोड़ा सा ऊपर करें, हर तरफ से देखना होगा आपको, ठीक है। इसको थोड़ा सा यूँ कर दें, 3 से देख लें, 7 से देख लें टॉप से, ओके, ये यहाँ पर आ गया, 9 से देख लें, ठीक है, ओके की रिपोर्ट है। अब हम क्या करेंगे, एडिट मोड पाएंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, इसको स्केल करेंगे इस तरह, ठीक है। अब हम ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये किनारा सेलेक्ट कीजिएगा शिफ्ट के साथ, ऑल्टर क्लिक करें, सेलेक्ट हो गया, शिफ्ट ऑल्टर क्लिक करें, ये सेलेक्ट हो गया,
अब आपने इसको बेवल करना है, ठीक है, हल्का सा बेवल करा और इसके सेगमेंट बढ़ा दिए, ठीक है, टैब दबाया बाहर आ गए, और ओके की रिपोर्ट है, दोनों को सिलेक्ट करा, स्केल कर दिया दोनों को, जी दबा के यहाँ लिया है, बंद करके देखा कहाँ पे है, इसको नीचे करा, ठीक है, जूम कर लेते हैं, थ्री दबा के देखा, सेवन से देखा कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा नज़दीक कर लिया इसको, थोड़ा ऐसे कर लिया, ठीक है, ये यहाँ, ये यहाँ सेंटर में, थोड़ा सा स्केल से बड़ा करा इसको आपने, और थोड़ा सा छोटा करा इसको, मिला दिया ऐसे, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट अप्लाई स्केल कर दिया आपने, ठीक है, बंद करके देखें, हर तरफ से इसको चेक कर लीजिएगा, टू से भी थ्री से भी, ठीक है, कि कहीं से मिस ना हो, ठीक है जनाब। अच्छा अब हम क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे और ज्वाइन कर देंगे, कंट्रोल जे या ज्वाइन कर दें, ठीक है, ताकि ये इसके साथ मूव हो, ठीक है, गुड हो गया। अब आप इसको चाहे तो नाम दे सकते हैं, अब हम इसके डुप्लीकेट दबाएंगे, सेवन दबा के टॉप पे आ जाएं सबसे पहले तो, ठीक है, कंट्रोल डी करें, सॉरी शिफ्ट डी, मैं भी भूल जाता हूँ कई बार, और इसको ले जाएं एक्स एक्सिस पे, ठीक है, इसको ऐसे रखिएगा, ठीक है, फिर शिफ्ट डी करें, इसको यहाँ ले जाएं और एक्स एक्सिस पे इसको ऐसा रखिएगा, ठीक है जनाब, ये तकरीबन एक फिंगर का स्टाइल हो गया है यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम इसकी बाकी उंगलियाँ बनाएंगे, तो इसके लिए आप पहले दबा दें यहाँ से सेवन की, ठीक है, टॉप से आ जाते हैं, और इन दोनों इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर देते हैं आप, ठीक है, ऑब्जेक्ट में आके इसको कर दें ज्वाइन, ठीक है, अगर नहीं करा तो हो सकता है अभी नहीं हुआ हुआ था, खैर मैंने कर दिया, शिफ्ट डी के साथ इसकी डुप्लीकेट बनाई, इसको यहाँ रखा, ठीक है, एक और डुप्लीकेट बना लें शिफ्ट डी, ठीक है, इस पूरे को सिलेक्ट कर लें, इसके शिफ्ट डी के साथ डुप्लीकेट बना के यहाँ रखें, स्केल के साथ छोटा करें, इसको यहाँ शिफ्ट डी, इसको यहाँ, ठीक है, अब इस तीन सबको सिलेक्ट करके शिफ्ट डी करें, यहाँ रखें, अब आपने इसको रोटेट करना है, ठीक है, इसको रोटेट कर लें 90 के एंगल पे, कंट्रोल दबा के, और इस पूरे को उठा के आपने यहाँ रख दिया, ठीक है, ऐसे, तो ज़रा सा देखता हूँ इसको, ठीक है, ये एक तरीके से हाथ बन चुका है इसका, गौर से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा इनको हमें लगता है कि बड़ा करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, और इनको भी सिलेक्ट करके स्केल से थोड़ा सा बड़ा कर लें और थोड़ा सा आगे मूव कर दें ऐसे ऐसे, ठीक है, गुड हो गया, ज़बरदस्त जी, बेहतरीन हैंड बन चुका है ये। मैंने सेव भी कर लिया ताकि साथ में सेव उतरे, मसले ना हो। अच्छा एक चीज़ कर दीजिए, इन सबको सेलेक्ट करके पहले तो सेवन दबाते हैं, हमेशा जब भी इनको स्केल स्केल करें, आपसे गुजारिश है कि इनको ऑब्जेक्ट में आके अप्लाई स्केल ज़रूर कर दें, ठीक है, और मुझे लगता है कि इसको यहाँ से हटा के सिर्फ एक उंगली रखनी चाहिए, ये काफ़ी है, ये ज़्यादा सही है। अच्छा जी, इसकी बॉडी को कलर दे देते हैं, इसकी बॉडी पे क्लिक करके आप आएंगे यहाँ पे मटेरियल पे, और क्योंकि मैं इसके फेस पे पहले कलर दे चुका था, तो यहाँ पे क्लिक करके देख लें, पुरानी क्लास में इस पे कलर देना मैंने बताया है, तो यहाँ पे वो कलर आ रहा होगा मेन कलर, तो वो मेन कलर मैंने इस पे भी दे दिया, तो आप देख सकते हैं इस पे भी वो कलर आ चुका है। अच्छा इसके अलावा मुझे लगता है कि जैसे कि ये एरिया है नीचे वाला, इसका एरिया, इसमें ब्लैक कलर होना चाहिए, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे एक ब्लैक कलर ऐड करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से एडिट मोड ले लेता हूँ, ठीक है, अब मैं इतने एरिया को, उस पूरे को सिलेक्ट कर लूँगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से फेस लूँगा और ऑल्टर क्लिक करके इस पूरे को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ से इस पर क्लिक करके ब्लैक पे असाइन करूँगा, ठीक है, इस पर असाइन हो गया,
दोबारा यहाँ से ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया। अच्छा जी, मैं इसको जूम करता हूँ, यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको भी मटेरियल दे देता हूँ ब्लू मेन कलर। ठीक है, अब मुझे इस एरिया को सिर्फ ब्लैक कलर देना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ से ब्लैक कलर लूँगा। ठीक है, यहाँ से एडिट मोड पे आऊँगा। ठीक है, अब मुझे ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि यहाँ से एक तो एक्सरे मोड सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और इतना एरिया सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये एरिया हमारा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं ऐसा कर दूँगा इसको ब्लैक कलर असाइन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस पर ब्लैक कलर आ गया है। अब इसी तरीके से एडिट मोड से बाहर निकलते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको मेन कलर देते हैं, यहाँ से प्लस पे क्लिक करते हैं, इसको ब्लैक कलर दे देते हैं। ठीक है, एडिट मोड में आते हैं टैब दबा के, यहाँ से एक्सरे लिया हुआ है आपने, इतना एरिया सेलेक्ट करना है। ठीक है, इतना के सिर्फ ये सेलेक्ट हो। अब थोड़ा सा इसको सेलेक्ट कर लें, इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब क्या करेंगे, आप कंट्रोल माइनस दबाएंगे या सेलेक्ट में आएंगे, आप यहाँ से लेंगे सेलेक्ट मोर लेक्स और यहाँ से सेलेक्ट लेस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल माइनस के शॉर्टकट की है, तो ये देखें लेस हो रहा है, तो कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो ये और लेस हो जाएगा। ठीक है, इतना एरिया जो आपने सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इतने एरिया को, ये काम करें फ्रंट पे आ जाए। ठीक है, इतना एरिया सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल माइनस एक दफ़ा कर लें, इतना एरिया सेलेक्ट हो गया आपका दोनों तरफ से। ठीक है, ये एरिया सेलेक्ट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है कि मैंने ब्लैक पे क्लिक करना है, इसको असाइन कर देना है, तो ये यहाँ से सेलेक्ट होकर इस तरह आ गया। ठीक है, बेहतरीन हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ करें, टैप मोड दबाएँ, बाहर आ जाएँ। अच्छा, जब यही कलर इस पर अप्लाई करना है, इस पूरे को मैं आप सेलेक्ट कर लूँगा, एक टेक्निक बता रहा हूँ। इतने एरिया को आपने सेलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट में आप आएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिंक देखें आप, लिंक ट्रांसफर डाटा और लिंक मटेरियल करेंगे तो क्या होगा, यही लिंक मटेरियल का ऑप्शन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें ब्लैक करनी है। अच्छा जी, अब हम आएंगे एडिट मोड में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद पहले तो अच्छा जी, अब इसको हम ब्लैक कलर कर देते हैं, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, टैप दबाते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि इसको सेलेक्ट करना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पर आके एल की दबाएंगे, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, असाइन करेंगे ब्लैक पे आके, ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसके ये जो जॉइंट्स हैं इनको भी सिलेक्ट करेंगे, तो इनको सिलेक्ट करने के लिए आप टैप दबा के पहले तो इनको सिलेक्ट करें। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड में फिर टैप दबाएं और इसके साइड पर आके एल दबाएंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से इसको ब्लैक कलर असाइन कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप फिर इनको सिलेक्ट करेंगे, टैप दबाएँ, इसके साइड पर आएँ, यहाँ पर जॉइंट पर एल दबाएँ और ब्लैक कलर असाइन कर दें, फिर टैप दबाएँ, इसको सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट मोड में, फिर यहाँ से करें एडिट मोड, यहाँ पे आए इसके और इस पर सिर्फ कर्सर रखना है, कुछ क्लिक व्लिक नहीं करना, यहाँ पे आके सिर्फ कर्सर ऊपर रखना और एल दबाना है, सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ब्लैक लिया, कलर असाइन कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से दोबारा ऑब्जेक्ट मोड लिया, इसको सेलेक्ट करा, फिर एडिट मोड लिया, यहाँ पे एल दबाया, सॉरी यहाँ पे आके एल दबाएंगे और उसको ब्लैक कलर असाइन कर देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी कर देता हूँ मैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ तक हो गया सिलेक्ट, ये रह गया इसको सिलेक्ट कर लें। चलें जी, ये इसका एक बाजू हो गया कंप्लीट। अब हमें इसका करना है दूसरा बाजू कंप्लीट। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने याद रखिएगा कि जो हमारा ऑप्शन है कर्सर, ठीक है, तो अगर ये कभी आगे पीछे हो, फर्ज करें यहाँ पे हो यहाँ पे हो, तो अगर आप शिफ्ट सी करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बीच में आ जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप यहाँ से लेंगे 3D कर्सर, क्योंकि अब मैं इस आर्म्स को मिरर कर रहा हूँ, तो उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, सॉरी शिफ्ट सी करें, सेलेक्ट बॉक्स लें, हाथ को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, सिर्फ हाथ को सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट में आएंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास मिरर होगा, मिरर देखें कहाँ लिखा हुआ है मिरर, और उसको एक्स ग्लोबल कर दें। ठीक है, अच्छा अब ये हाथ यहाँ से यहाँ तो मूव हो गया, पर डुप्लीकेट नहीं बनी। डुप्लीकेट के लिए हम क्या करेंगे, आर्म्स को सेलेक्ट करके शिफ्ट डी करेंगे जैसे कि मैंने बनाया था, और राइट क्लिक करेंगे ताकि आर्म उसी जगह पे आ जाए,
ऑब्जेक्ट मिरर एक्सुलेबल, तो यहाँ पे सेम डिटो जगह पे हाथ आ गया, तो ये आपका पूरा रिबोट तैयार है। ठीक है, आप इसको अपनी मर्जी से कलर दे सकते हैं, हाथ को मूव करा सकते हैं। ठीक है, हाथ को यहाँ क्लिक करके इसको रोटेट करेंगे तो ये रोटेट होगा। ठीक है, यहाँ क्लिक करें रोटेट करेंगे तो ये रोटेट होगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये रोटेट होगा। अच्छा, इसको जो दिख रहे हैं अभी, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना और रोटेट कर रहा हूँ, तो ये इसके हिसाब से नीचे वाले जो हमारा कर्सर है इसके हिसाब से मूव हो रहा है, तो इसको काइंडली मीडियन कर दीजिएगा दोबारा। तो अब इसको मूव करके देखें तो ये इस तरह मूव होगा। ठीक है, और अब हम एक काम करते हैं, हम चाह रहे हैं कि सारे एक साथ मूव हो, इसको मूव कराऊँ तो ये भी मूव हो, तो मैं इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट में होगा, यहाँ पर होगा पेरेंट, पेरेंट को कर दीजिएगा ऑब्जेक्ट। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसको मूव कराऊंगा ना, तो देख रहे हैं ये पूरा मूव हो रहा है। इसी तरीके से पहले इसको सेलेक्ट कीजिएगा, फिर इसको सेलेक्ट कीजिएगा, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। कंट्रोल पी इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, और कंट्रोल पी करेंगे और ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये ऐसा होगा मूव। देख रहे हैं, इसी तरह सबको आपने ये सेलेक्ट करना है, ताकि ये सबको सेलेक्ट करते चले जाएंगे तो ये सबके साथ मूव होते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का पसंद आया होगा। यहाँ पे यह सब हमारा ट्यूटोरियल ख़त्म होता है रोबोट बनाने का। इसी तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से रोबोट बना सकते हैं। ठीक है, ये इसके कंप्लीट वीडियो में, एक ही वीडियो के अंदर इसको अंदर सब डालूंगा, ताकि एक ही दफ़ा आपको इजीली सीख सकें। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आए, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।